हरे कृष्णा। सो श्रीमद् भगवद गीता के हम 14वें अध्याय पहुंच चुके हैं और 14वें अध्याय का शीर्षक है द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुण त्रय विभाग योग। गुण जो है तीन प्रकार के हैं, उनका विभाग क्या है, उनकी एप्लीकेशन कैसी है, उनकी उसमें एक्टिविटी क्या होती है, उसमें इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली। तो इससे पहले भगवान के बारे में चर्चा हो चुकी है, जीव के बारे में चर्चा हो चुकी है, हमें भक्ति करनी चाहिए इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब ये जो चैप्टर आ रहा है ना, ये बहुत ही ग्राउंड लेवल पे है। मतलब असल में हम कोई काम जब कर पाते हैं तो क्यों कर पाते हैं, और जब नहीं कर पाते हैं तो कहाँ फंसे होते हैं, बेसिकली उसके बारे में। द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो आप जानते हैं वैसे ये प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सो गुण का मतलब होता है, एक तो होता है क्वालिटीज, और एक मतलब होता है रस्सी। ऑल्सो रस्सी अगर हमें बांध देती है, सो वी आर नोन एज कंडीशनड सोल्स, बद्ध जीवात्माएं। बद्ध को वाला किसने बांध रखा है? प्रकृति के तीन गुणों ने। बोले बोले आजादी दिल की। सर आजादी दिल की नहीं है यहाँ पर, यहाँ प्रकृति के तीन गुण हैं, ये हमें बांधे हुए हैं, इसके लिए आजादी दिल की नहीं है। बोले बोले कर लो दुनिया मुट्ठी में। सर आपकी मुट्ठी भी ना अभी कैद है प्रकृति के तीन गुणों में। तो इसीलिए जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, भगवान ने कहा, पहला श्लोक है, श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो इसलिए मोड्स ऑफ नेचर दे आर सो इम्पॉर्टेंट, कि अगर ग्राउंड लेवल पे इसको ना पता हो ना कि कैसे काम करते हैं, और हम कब कहाँ किस चीज़ के इन्फ्लुएंस में आकर, कौन से गुण के इन्फ्लुएंस में आकर के कैसे कहाँ बिहेव कर रहे हैं, अगर ये नहीं पता होगा वी वुड गेट एंटैंगल्ड। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, आत्मनिवेशन करने के लिए, कि मैं प्रकृति के कौन से गुण में इसमें फंस रहा हूँ, ये बहुत, तो इसलिए चैप्टर जो है पता लगेगा कि ओके ये कौन कौन से गुण हैं, उनके क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या क्या इनका स्वभाव है। इस ज्ञान में स्थिर लोग मनुष्य इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है, क्योंकि भगवान के बारे में अगर जान गया कैसे, तो भगवान के स्वभाव यानी कि भगवान जो है सच्चिदानंद है, भगवान ईश्वर विष्णु तत्व, उस तरह से हम भी बन सकते हैं सच्चित आनंद जीव तत्व, वी कैन ऑल्सो बी दैट। तो स्वभाव मिल सकता है हमारा सच्चिदानंद, पर कैसे होगा? बाय नोइंग दिस नॉलेज। तो भगवान ने पहले बता दिया व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन शुड वी हैव फ्रॉम दिस नॉलेज। सो हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक भौतिक ब्रह्म एक्सक्यूज मी हे भरत पुत्र ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्य करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। अब भगवान ये गर्भस्थ करते हैं, गर्भस्थ करते हैं, भगवान कैसे गर्भस्थ करेंगे? हाउ कैन गॉड इम्प्रेगनेट? तो यहाँ चर्चा आ रही है कि जो ब्रह्म है वास्तव में ही इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है जी, तो उन्हीं से सारी वस्तुएं जन्म लेती हैं, और भगवान जो है ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं। तो यह ब्रह्म का मतलब बेसिकली है क्या? ब्रह्म का यहाँ पर मतलब है बृहत, ग्रेट, ठीक है जी। तो उसके बारे में हम शुरू करते हैं, भला भगवान ही इम्प्रेगनेट कैसे करते हैं? इस दुनिया में होता है मेल फीमेल इम्प्रेगनेट, उनके बच्चे बच्चे हुए, गॉड इज ऑल्सो इम्प्रेगनेटिंग। इस बारे में अब हम इस एक डिटेल चार्ट समझेंगे, किस प्रकार से वास्तव में सृष्टि कैसे होती है और किस तरह से भगवान एक्चुअली इम्प्रेगनेट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है जी, सो देयर इज गॉड, लॉर्ड कृष्ण। नाउ लॉर्ड कृष्ण हैज गॉट वेरियस पोटेंसीज, उनमें कई सारी शक्तियां हैं, ठीक है जी, परास्य शक्तिर विधेय वशुए थे, भगवान की कई प्रकार की शक्तियां। तो भगवान की शक्तियों में स्पिरिचुअल पोटेंसी भी आती है, विच इज नोन एज योग माया। योग माया भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी है, ये स्पिरिचुअल पोटेंसी बेसिकली भगवान के धाम में है, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वहां पर जो कुछ भी होता है वो योग माया शक्ति से होता है, दैट्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान की और भी शक्तियां हैं, भगवान की एक और शक्ति है विच इज जीव शक्ति, विच इज द लिविंग एंटिटीज। ओके, अब भगवान की और कौन सी शक्ति है? भला भगवान की शक्ति और है, इसको बोलते हैं महामाया शक्ति, एक तो योग माया शक्ति है, एक है महामाया शक्ति, और साथ ही भगवान की एक और शक्ति है विच इज काल शक्ति। सो लॉर्ड एक्सपैंड्स नाउ इन द फॉर्म ऑफ काल शक्ति। सो काल इज बेसिकली टाइम फैक्टर,
ठीक है जी। एंड टाइम फैक्टर जो है इज इनकी जो पर्सोनिफिकेशन है दैट्स एक्चुअली लॉर्ड शिवा। ठीक है जी। सो लॉर्ड शिवा इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ काल शक्ति। साथ ही भगवान की है महामाया शक्ति। आई वहां महामाया शक्ति दैट्स फॉर द जो मटीरियल वर्ल्ड के लिए बेसिकली, तो भौतिक जगत उसके लिए। सो दैट इज अभी योग माया शक्ति डिफाइंड हो गई, भवानी काल शक्ति भी है, टाइम फैक्टर एंड दैट्स द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है जी। एंड हियर इज महामाया शक्ति। ठीक है, भगवान का एक फॉर्म है विच इज दैट ऑफ लॉर्ड महाविष्णु। ठीक है जी। नाउ करंटली जो महामाया है, महामाया से क्या आता है, महामाया से दो अभी एक्सपेंशन और होते हैं। महामाया से एक तो आती है अविद्या, अविद्या का मतलब होता है इग्नोरेंस। ठीक है जी, इग्नोरेंस भी आती है। और अविद्या के आप दो पार्ट और हैं, अविद्या में सत्वगुण का भी कार्य होता है और रजोगुण वाला भी होता है। तो अविद्या जब रजोगुण के साथ और सत्वगुण के साथ जब ट्रांसम्यूट करती है, ठीक है, जब अविद्या है इन ट्रांसम्यूट्स विद सत्वगुण तो उसे मंडेन नॉलेज आती है, सांसारिक ज्ञान। और साथ ही जब रजोगुण से वो ट्रांसफ्यूज करती है अविद्या, रजोगुण उससे बनते हैं सांसारिक कर्म या फिर आगे जाके कर्मकांड। ठीक है, लाइक दैट। तो सत्वगुण भी है जिससे आती है मंडेन नॉलेज और रजोगुण से बनते हैं कर्म, दैट मींस एक्टिविटीज। ओके, ऑलराइट। साथ ही महामाया का एक और जो फीचर है विच इज नोन एज प्रधान, प्रधान क्या है, प्रधान इज बेसिकली इनएक्टिव मटीरियल नेचर। दैट इज नोन एज प्रधान। अभी इनएक्टिव है, अभी इनएक्टिव है तो ना इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो इसमें मटेरियल थ्री मोड्स होते हैं, द थ्री मोड्स ऑफ नेचर आर देयर बट दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म, तो उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। सो भगवान श्री कृष्ण का एक फॉर्म है विच इज आउटसाइड ऑल द यूनिवर्सेस एंड दैट्स द फॉर्म ऑफ महाविष्णु। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो फॉर्म है विच इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण ऑफकोर्स ही इज बिजी इन द लीला, सो ये मैनेजर ने भाग नहीं लेते। तो इन्होंने अपना एक एक्सपेंशन रखा एज महाविष्णु। महाविष्णु व्हेन ही ग्लांसेस ऑन प्रधान दैट मींस इनएक्टिव मटेरियल नेचर, जब भगवान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं विच इज एक्चुअली इम्प्रेग्नेशन, ये जो अब श्लोक में आ रहा है ना, द लॉर्ड इम्प्रेग्नेट्स, सो लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ महाविष्णु ही इम्प्रेग्नेट्स प्रधान विच इज द मटीरियल नेचर बट इनएक्टिव मटीरियल नेचर। तो इसीलिए भगवान की शक्ति है विच इज द काल शक्ति। ठीक है, तो काल शक्ति का भगवान प्रयोग करते हैं और काल शक्ति से प्रधान को एक्टिवेट करते हैं। सो दैट मींस अब भगवान महाविष्णु जो है ही ग्लांसेस ओवर प्रधान। अब भगवान जो इसको करें तो होगा क्या, दैट मींस नाउ काल, सो हियर इज काल शक्ति। तो भगवान अपनी काल शक्ति का प्रयोग करते हैं, हु पर्सोनिफाइज एज लॉर्ड शिवा प्रधान। तो प्रधान में जब काल का इस प्रकार से ट्रांसम्यूटेशन होता है, इसकी वजह से प्रधान जो है इट बिकम्स एक्टिवेटेड, सो इट बिकम्स एक्टिवेटेड मटेरियल नेचर, जिसको बोलते हैं महत तत्व। महत तत्व क्या है, बेसिकली दैट इज एक्टिव मटेरियल नेचर। That is महत्तत्व। Okay. अब महत्तत्व के साथ जब महत्तत्व बन गया, अब महत्तत्व when transmutes with काल furthermore, ठीक है जी, so काल के साथ further transmutation furthermore होती है जब महत्तत्व की, then it becomes अहंकार। तो अहंकार बनता है। अभी जो अहंकार है, ये अहंकार प्रकृति के तीन गुणों के साथ further transmutation करता है। ठीक है जी, सो अहंकार
who do transmutation with goodness, with passion, yani ki rajogun, passion, and also with tamogun, that means ignorance. ठीक है, तो ये हो गया तमोगुण. ओके, सो बिकॉज ये प्रकृति तीन गुण भी किससे आ रहे हैं, ये महामाया की शक्ति का एक्सपेंशन है. सो नाउ दे हैव बिकम एक्टिवेटेड. ठीक है जी, सो काल शक्ति ने एक्टिवेट कर अहंकार बनाया. अहंकार ने फर्दर क्या किया, इस एक्टिवेटेड मटेरियल नेचर जिसमें प्रकृति के तीन गुण थे, अब उनके साथ ट्रांसम्यूटेशन किया. सो हियर इज रजोगुण, एंड गुडनेस, दिस इज सतोगुण. ग्रेट. सो फर्दर व्हेन अहंकार ट्रांसम्यूट्स विद सतोगुण, जब इसके साथ करेगा तो उससे बनता है फर्दर अहंकार के साथ. ओके, सो अहंकार इज देयर, अहंकार ट्रांसम्यूटेड विद मोड ऑफ गुडनेस दैट फॉर्म्स माइंड. सो माइंड का फंक्शन क्या है, बेसिकली मेडिटेट करना. कभी गलत चीज से मेडिटेट कर लेके मेडिटेट करता है वो. चंचल है हालांकि मन, सतो उनकी क्वालिटी तो क्या है, स्थिरता, लेकिन हम देखते हैं मन तो बड़ा चंचल होता है. रीजन बींग वो गलत चीजों में मेडिटेट करता है, और साथ में उसके साथ और भी मोड्स मिले होते हैं, रजोगुण भी मिला होता है, तो उसको उसकी मेडिटेशन का जो फोकस है किसी और पे कर देगा. अरे यार क्या बात है, क्या दिखती है, ओ क्या व्हाट अ हैंडसम गाय, ओ यार वो खाने का बड़ा मन कर रहा है यार. सो मेडिटेशन इज अ फंक्शन ऑफ द माइंड. गलत चीजों पर कर बैठता है बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेशन विद लोअर मोड्स, पर सत्व गुण के साथ जब अहंकार का ट्रांसम्यूटेशन होता है इट फॉर्म्स द माइंड. ओके, इग्नोरेंस के साथ जब ट्रांसम्यूटेशन होता है तो उससे बनते हैं आगे जाकर के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, दैट मीन्स अर्थ वाटर फायर एयर ईथर. तो सबसे पहले बनता है ईथर, ईथर एंड ऑल्सो अर्थ वाटर फायर एयर. ओके, वाटर और से फायर, अर्थ वाटर फायर, अर्थ वाटर फायर एयर. तो इससे पहले वाटर, पहले आएगा नाउ अग्नि, दैट मीन्स फायर, एंड देन कम्स वाटर, ओके, एंड अर्थ. इस सीक्वेंस में ये प्रकट होते हैं व्हेन अहंकार ट्रांसम्यूट्स प्लस अहंकार. सो अहंकार जब ट्रांसम्यूट करता है इग्नोरेंस के साथ, तमोगुण के साथ, तो बनते हैं ईथर एयर फायर वाटर अर्थ, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर. ओके, अब अहंकार वुड आल्सो डू ट्रांसम्यूटेशन विद पैशन. इसके साथ वो ट्रांसम्यूटेशन करता है तो दैट वेज अब पैशन से और क्या क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो बनती है बुद्धि. बुद्धि इज ट्रांसम्यूटेशन ऑफ रजोगुण विद अहंकार. सो दैट्स बुद्धि. ठीक है जी, और क्या क्या बनता है भला फर्दर जब ट्रांसम्यूटेशन जब होता है तो और क्या क्या बनते हैं, इसमें डिविजन जो है इसमें फर्दर आती हैं लाइक दैट. इसमें साथ ही बनते हैं हमारी कर्मेंद्रियां, दैट मीन्स जिनसे हम कार्य करते हैं वो भला क्या क्या हैं, उसमें आते हैं हैंड्स, लेग्स, माउथ, एनस एंड रेक्टम. एनस और रेक्टम, ये बेसिकली है क्या, ये है कर्मेंद्रियां, दैट मीन्स एक्शन सेंसेस. ओके, तो इनको बोलते हैं कर्मेंद्रियां. सो एक्शन ओरिएंटेड सेंसेस होती हैं. सो ओके, तो अब रजोगुण की वजह से हमारे एक्शन सेंसेस आ गए, दैट मीन्स हैंड्स, लेग्स, माउथ, एनस एंड रेक्टम. ओके, हमारी नॉलेज अक्वायरिंग सेंसेस, यानी कि हम जिससे ज्ञान अर्जित करते हैं. ठीक है, ज्ञान किस किससे अर्जित करते हैं हम लोग, वी अर्न नॉलेज बाय आवर सेंसेस. जो हमारी नॉलेज अक्वायरिंग सेंसेस है, इट स्टार्ट्स विद ईयर्स. ओके, ईयर्स के बाद देन वुड कम स्किन, स्किन के बाद फिर आएगा देन आईज, आईज के बाद फिर आएगा टंग, और टंग के बाद फिर फाइनली आएगा
नोज। या तो ये हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, यानी जिनसे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हो गई। ऑलराइट, अब फाइनली अब इन्हीं के जो है सेंस, मतलब अब इन सब करना क्या है वो भी आता है। फॉर एग्जाम्पल से ना साउंड, ओके, टच, फॉर्म एंड टंग से अगर रसा, दैट मीन्स टेस्ट, एंड स्मेल। सो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज है, जो कि वो कार्य करेगा, दैट दोज एक्शंस वुड ऑल्सो कम बाई रजोगुण। तो ईयर्स साउंड, स्किन टच, आईज दे सी द फॉर्म, टंग वुड टेस्ट समथिंग, नोज स्मेल। तो ये हमारी सेंसेस। सो बेसिकली रजोगुण से अहंकार का ट्रांसम्यूटेशन के बाद वुड कम नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, और नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एक्शन सेंसेस, एंड देन उनके फिर क्या कॉरेस्पॉन्डिंग काम है वो भी आएंगे, दैट कम्स बाय रजोगुण। सो व्हेन वी से दैट ओके लॉर्ड इम्प्रेग्नेटेड, सो उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली महाविष्णु हैड अ ग्लैंस, ही जस्ट ग्लैंस्ड, महाविष्णु का ग्लैंस करना इन द फ्रॉम काल शक्ति। तो दैट इज भवानी ग्लैंस है, ग्लैंस किससे होती है, दो आंखों से होती है। सो दैट इज महाविष्णु इम्प्रेग्नेट्स लिविंग एंटिटीज By firstly activating by काल, और यहाँ पर जीव जो हैं, जो कि भगवान की शक्ति है, like living entities are there, जीवस, तो भगवान की जीव शक्ति, तो एक ग्लांस से काल शक्ति, एक आंख से जीव शक्ति, is being impregnated by glancing, not by genitals, like that। तो इस प्रकार से फिर काल शक्ति के माध्यम से then प्रधान यानी जो material nature है, ठीक है, उसमें impregnate किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा शिवलिंग बनाया जाता है, right? और शिवलिंग को लोग अक्सर बोलते हैं, जस्ट सी द दीस हिंदूज, ये लोग किन की पूजा कर रहे हैं, दे आर वर्शिपिंग द पीनस एंड द वजाइना, जस्ट सी दैट, इट्स सो डिस्गस्टिंग। बट एक्चुअली शिवलिंग जो होता है, जिसमें शिवलिंग आपने देखा होगा कि देयर इज समथिंग अराउंड एंड देन इन द सेंटर देयर इज लाइक दिस, और इस तरह से शिवलिंग होता है, राइट? या तो बेसिकली अभी जो शिवलिंग है, इट इज नॉट दैट द सराउंडिंग एरिया इज द वजाइना ऑफ पार्वती, और ये बीच में जो है इज अ लिंग और प्राइवेट पार्ट ऑफ शिवजी, नो इट इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली दिस इज द काल शक्ति, विच इज अ ग्लैंस, जो काल है, इज दिस ग्लैंस एंड दिस इज प्रधान, बेसिकली प्रकृति, लाइक दैट। उसके बाद क्योंकि यहां से लिविंग एंटिटीज है, दे आर ऑल एंटरिंग द यूनिवर्स, ओके, तो इसीलिए समटाइम्स लोग मानते हैं कि पार्वती और शिवजी जो है दे आर फादर एंड मदर, रीजन बिंग इमीजिएटली देखा जाए, सो जो मटीरियल नेचर है विच इज प्रधान, इसको एक्टिवेट किसने किया, भगवान विष्णु ने किया, बट थ्रू किससे किया, शिवजी से किया। सो दैट मीन्स जो शिवलिंगा है इज नॉट द पीनस एंड वजाइना, नो, इट इज द ग्लैंस ऑफ महाविष्णु इन द फॉर्म ऑफ द काल शक्ति है उनकी, ठीक है, ये और इनके थ्रू जो जीवात्मा एंटर करती है इन प्रकृति, लाइक दैट। तो दिस इज एक्चुअली मटीरियल नेचर, नॉट द वजाइना, नॉट द प्राइवेट पार्ट। एक्चुअली द प्राइवेट पार्ट के लिए जो शब्द है, दैट इज नोन एज शिशिनम, नॉट लिंग। लिंग का मतलब होता है सिंबल, एक्चुअली। सो बेसिकली इट सिंबलाइजेस लॉर्ड शिवा, इट इज नॉट द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा। सो दैट इज भगवान इम्प्रेग्नेट करते हैं, पर कैसे करते हैं, बाय द ग्लैंस, ये भगवान की शक्ति है। इस जगत के अंदर वैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको अगर इम्प्रेग्नेट करना है, ही हैज़ टू यूज हिज जेनिटल्स। तो क्योंकि हम लोग इस संसार के अंदर अपनी जेनिटल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर इम्प्रेग्नेशन, तो जैसे ही शब्द आता है, ओ द लॉर्ड इम्प्रेग्नेटेड द मटीरियल नेचर, ओ दैट मीन्स ही आल्सो यूज्ड हिज जेनिटल्स, नहीं, भगवान की दिव्य शक्ति, दैट जस्ट बाय हिज ग्लैंस ही कैन डू दैट। एंड देन शिवजी, जो शिव तत्व है, द काल शक्ति, या उनके थ्रू ऑल द लिविंग एंटिटीज दे एंटर। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ शिवलिंगा। सो इट्स अ सिंबल, इट्स अ सिंबल, इट इज नॉट दैट की इट्स अ प्राइवेट पार्ट शिवलिंग, नो। होता क्या, हम बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुलिंग, उसमें लिंग लग रहा होता है, तो हमको ओ ये लिंग मतलब वो प्राइवेट पार्टी होगा, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, that how Lord impregnates. So let's have a quick revision. Lord Krishna has got yog maya shakti in the spiritual world, ठीक है, लेकिन संसार भी तो चलाना भाई, यहाँ पर हम लोग बदमाश लोग हैं, तो हमको ठीक करने के लिए, so for that there is महामाया शक्ति। जो महामाया शक्ति है, उनके दो डिविजन है, एक है प्रधान, which is inactive material nature, और दूसरा है अविद्या।
ठीक है जी। अब बेसिकली ये तो दुनिया बसेगी, लेकिन दुनिया के अंदर जो कार्य करें वो कैसे कार्य करेंगे हम, इधर बाय हैविंग मंडेन नॉलेज। वो कब आता है, जब अविद्या के साथ, अविद्या के फर्दर मोर डिविजन्स होती हैं विद सत्वगुण, सत्वगुण के साथ जब ट्रांसम्यूट करेगी वो, बिकॉज इट हैज बीन एक्टिवेटेड बाई महाविष्णु, सत्वगुण एंड रजोगुण, ओके लाइक दैट। तो सत्वगुण से बनता है मंडेन नॉलेज, जो कि हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, जिससे कि हम पापी पेट का सवाल वो करना बहुत जरूरी है, इसमें भगवान की चर्चा नहीं होती, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अविद्या। ओके, रजोगुण के साथ जब ट्रांसम्यूटेशन होती है अविद्या की, दैट फॉर्म्स कर्मा। ओके, सो वट एवर गुड कर्मा पीपल आर डूइंग, यू नो वी आर डूइंग गुड कर्मा, सो दैट्स ऑल्सो रजोगुण इन टच विद अविद्या, बिकॉज उस कर्म के अंदर भगवान के बारे में नो एक्टिविटी, देर इज नो एक्टिविटी कनेक्टेड टू गॉड। सो ऑल राइट, सो उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे कर्म भी होते हैं, बट संसार के लेवल पे जो कर्म होते हैं हैपनिंग बिकॉज ऑफ रजोगुण। ओके, सो महामाया की जो एक और जो डिविजन है विच इज प्रधान, विच इज इनएक्टिव मटेरियल नेचर, बिकम्स एक्टिवेटेड बाय द काल शक्ति। सो काल शक्ति के आने की वजह से हो जाता है फिर ये प्रधान टर्न्स इनटू महत्त्व। महत्त्व में फर्दर काल के साथ और ट्रांसम्यूटेशन होता है, देन बिकम्स अहंकार। सो अहंकार जो है अब प्रकृति के तीन गुणों जो कि अब एक्टिवेट हो चुके हैं उनके साथ ट्रांसम्यूट करता है, सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। सत्वगुण से बनता है फर्दर ट्रांसम्यूटेशन करके बनता है माइंड। ओके, पैशन से बनती है बुद्धि, वन हमारी बनती है कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और साथ ही ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं यानी कि उनको अब क्या क्या करना है, बेसिकली साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, वो बनता है। और इग्नोरेंस से क्या बनता है, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर जो हम जानते हैं, दैट्स इट। सो ईथर से आता है एयर, एयर से आता है फायर, फायर से वाटर एंड देन अर्थ, लाइक दैट। इसलिए जो स्मेल की क्वालिटी, दैट्स देयर इन अर्थ, टेस्ट की जो क्वालिटी, दैट्स इन द वाटर, ठीक है जी, फायर फॉर्म एंड देन टच एयर एंड देन साउंड ईथर। तो इसलिए ये भी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, इज ऑल्सो कनेक्शन बिटवीन द टू। द स्मेल इज द क्वालिटी इन अर्थ, ओके, टेस्ट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर, ओके, फॉर्म फायर एंड देन टच एयर, बिना उसके हम टच नहीं कर सकते, बिना वी कैन नॉट फील द सेंसेशन, एंड साउंड कम्स फ्रॉम ईथर, लाइक दैट। तो इस प्रकार से इनका ये कनेक्शन है, एंड देन दिस इज हाउ दिस होल थिंग हैपन्स। तो इसीलिए अगर सृष्टि हुई है तो कैसे हुई है, लाइक देयर आर अदर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो वेयर इट इज मेंशन, लॉर्ड सेड ओके लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वॉज क्रिएशन, जैसे बाइबल के अंदर लिखा है, पर यह बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, लेट देयर बी क्रिएशन, लॉर्ड डिजायर्ड लाइक दैट, एको बहुनाम यो विदधाति कामन, भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा की ओके लेट देयर बी, ओके अब ये कर, लेकिन ये जो बोला कि गॉड डिजायर्ड लेट देयर बी क्रिएशन और लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी क्रिएशन, सो दे जस्ट फॉर्म, लेकिन एक्चुअली क्रिएशन हुई कैसे है, द क्रिएशन हैज हैपन लाइक दिस ओनली। So, ये जीव शक्ति then finally is impregnated also along with Mahavishnu and then entering Pradhan and then we experience this entire world. तो यहाँ हमारी activities define हो रही हैं भाई महामाया, यहाँ हमारी दुनिया define हो रही है भाई महामाया। So, once we put this whole thing and we chant Hare Krishna Mahamantra, we worship Supreme Lord Shri Krishna, जो कि सारे शक्तियों के मालिक हैं, and then we quit the department of Mahamaya and then we are with Yug Maya. So that's the spiritual world where we can really be happy. Actually, क्या है, ये भी spiritual nature में है, योग माया, okay? And we are also spiritual in nature. तो इसीलिए हमारी महामाया में ना हमारा मतलब सुख हमारे यहाँ मिलने वाला नहीं है वैसे, ठीक है जी। तो कई बार लोग बोलते हैं, ओ देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ माया, एक है योग माया, एक है महामाया, एक है मोह माया। वेल, मोह माया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महामाया, ठीक है। तो ये जो दुनिया बनाते हैं, ये मोह माया सारा, हमारा हमारे संसारिक कर, हमारे संसारिक नॉलेज, it all comes from Mahamaya. So it's not that Mohamaya is another kind of Maya. No, there are two kinds of Maya, Mahamaya and Yog Maya. That's in the material world. ठीक है, ये हमारे लिए बनाई जाती है जब हम लोग भगवान के साथ रह के उनकी सेवा नहीं करना चाहते। So then we are given a chance to enjoy in this material world. तो भगवान फिर ये सारा हमारे लिए कुछ करते हैं, but that's like a jail for us actually. ये jail भगवान ने इतना sophisticated बनाया, तो बनाया, सोचिए ये spiritual world भला क्या होगा। This actually जितना कुछ भी है, it is like a, this is like a jail actually. We are living entity is encaged, yeah. लेकिन भगवान ने जेल भी देखी, क्या सिस्टमैटिक बनाया है वहाँ भगवान ने, wow, that's really a masterpiece. But yes, more we surrender to Lord Shri Krishna, then more we are free from Maya. तो इसलिए भगवान जो एनॉलॉजी देते हैं, how come Maya is not captivating God? Maya is only able to cover the knowledge of the soul. Why is that so? तो इसलिए बहुत सुंदर एनॉलॉजी आती है, just like when there is fire. तो फायर होती है, तो फायर से क्या होता है, फायर की बड़ी बड़ी कुछ लपटें भी होती हैं। अब इसके आसपास स्मोक भी होता है, ठीक है, और साथ ही लपटों के साथ साथ कुछ चिंगारियां भी निकलती हैं, राइट।
तो आपने देखा होगा जो फायर लड़ाई जलाई जाती है, जैसे कई बार लोग लोहड़ी मनाते हैं तो देन तो ये कुछ स्पार्क्स भी निकलती हैं, ठीक है, अग्नि भी है और साथ में कुछ बड़ी बड़ी लपटें भी हैं, लाइक दैट। तो ये जो फायर है दिस इज कृष्णा, ठीक है जी, सो दैट्स कृष्णा। कृष्णा से जो बड़ी बड़ी लपटें निकल रही हैं ये भगवान के अवतार हैं, बड़ी बड़ी लपटें, और ये छोटी छोटी ये हैं, दीज आर द लिविंग एंटिटीज। तो ये भगवान के अंश हैं, भगवान के अवतार, ये अब ये भिन्न अंश हैं, ठीक है, दीज आर द जीवास लिविंग एंटिटीज, द जीवा ये हम लोग हैं, ठीक है जी। अब जो धुआं होता है इसके आसपास, जो धुआं होता है वो आग की लपटों कवर नहीं कर पाता, ना ही बड़ी बड़ी लपटों कवर कर पाता है, आग को तो बिल्कुल नहीं कर पाता, लेकिन कवर कर पाता है तो ये जो छोटी छोटी होती है ना चिंगारियां, इनको भले कभी कभी कवर कर लेता है वो। सो दिस स्मोक इज बेसिकली माया, कौन सी माया, महामाया, लाइक दैट। अब ये जो होता है दिस कैन कवर, बट अगर ये जो चिंगारी है, इफ चिंगारी कम्स नियर द फायर, अगर फायर के नजदीक आती है तो क्या धुआं भाग जाता है, जितनी ज्यादा इसके दूर जाती है ना तो धुआं होता है इसको कवर कर लेता है, लेकिन जितनी पास रहती है उतना ज्यादा धुआं भाग जाता है। सो सिमिलरली व्हेन वी आर क्लोजर टू कृष्णा, राइट, जब भगवान श्री कृष्ण के नजदीक आएंगे तो माया जो है हमसे दूर चली जाएगी, जितना कृष्ण से दूर जाएंगे उतनी माया हमको ढक लेगी, जितना पास आएंगे उतना ज्यादा हम तेजस्वी हो जाएंगे, ओजस्वी। जैसे कि चिंगारी जब आग के नजदीक जाती है तो आग के नजदीक जाकर के और ज्यादा तेजस्वी ओजस्वी होती है उसके, उसके और मतलब उसका तेज बढ़ जाता है, तो हम भी तेजस्वी ओजस्वी होते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के निकट जाते हैं, जब उससे दूर जाते हैं तेज अविद्या, एंड देन व्हेन वी गो टू मच ऑफ तो फिर देन वी आर पुट इनटू ओह माय गॉड इतना कुछ। सो दैट फेज इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस फायर इज अल्टीमेटली कृष्णा। बड़ी बड़ी लपटें हैं वो हैं अवतार भगवान श्री कृष्ण के, उनको माया कवर नहीं कर सकती, लेकिन जो लिविंग एंटिटीज हैं विच आर भिन्न अंश, इनको कवर कर पाती है माया, एंड दैट्स दिस हाउ द स्मोक वर्क्स। द स्मोक इज बेसिकली माया। तो इसलिए ये जो स्मोक कैसे आता है, स्मोक आता भी तो अग्नि से आता है। सो माया शक्ति है किसकी, कृष्ण की शक्ति है वो एक्चुअली। सो लेकिन माया क्योंकि कृष्ण की शक्ति है तो इसलिए वो कृष्ण को कवर नहीं कर सकती, बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड ही इज अ मास्टर ऑफ माया, लाइक दैट। तो इसीलिए भगवान की जो योग माया शक्ति है शी एक्ट लाइक अ वाइफ, ठीक है, एंड महामाया शी इज लाइक अ मेड सर्वेंट। जो महामाया शक्ति है भगवान की, सो जो महामाया शक्ति है शी इज वेरी ओबीडियंट मेड सर्वेंट, कि भगवान आप मुझे बताइए अगर कोई बदमाशी कर रहा है मैं अभी उसको मजा चखाऊंगी। तो जो कहना मानते हैं दे आर देयर विद विद द एस्पेक्ट व्हिच हु इज मोर क्लोजर। सो कृष्णा शी कृष्णा इज हैविंग रेसिप्रोकेशन विद द वाइफ, लेकिन जो काम वाली होती है अगर तो योग माया बोल देते हैं भैया, वो वाइफ को बोलेंगे जैसे पति होता है, कहता है भाई वो काम वाली बोलो टाइम से आया करे, दिस दैट। सो इट डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद योग विद महामाया, बट ही इंटरेक्ट थ्रू योग माया, लाइक दैट। तो इसलिए ये जो सब माया महामाया करती भी है, सो थ्रू योग माया करती है या अपनी काल शक्ति के माध्यम से भगवान करते हैं, भगवान कृष्ण इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट ये शी इज शक्ति ऑफ कृष्णा। सो कृष्णा इज सुप्रीम शक्तिमान एंड देन ऑल दिस इज शक्ति। तो भगवद गीता में जो लिखा है दैट लॉर्ड इम्प्रेग्नेट्स, व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स एक्चुअली दिस। सो दिस इज अ कंप्लीट कंसेप्शन दैट हाउ लॉर्ड इज देयर एंड हिज एनर्जीज आर देयर, और किस तरह से ये सृष्टि हुई है, ये सृष्टि बनी है तो क्यों बनी है, अल्टीमेटली ये जेल है, आध्यात्मिक जगत ये है, और किस तरह से हम अविद्या में फंस जाते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, देन फाइनली कृष्णा देन पुट्स अस इन ऑल ऑफ दिस। बट यस, हियर इज द कंसेप्शन दैट व्हाई माया कैन नॉट कवर कृष्णा। माया भगवान को ढक नहीं सकती, लेकिन जीवात्माओं को ढक सकती है, अवतारों को नहीं ढकती, और जो अवतारों के सोर्स हैं लॉर्ड श्री कृष्णा उनको भी नहीं ढकती। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड दैट हाउ लॉर्ड इम्प्रेग्नेट्स। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हमने इस शब्द के ऊपर चर्चा की, ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं, तो भगवान भला ये ब्रह्म को गर्भस्थ कैसे करते हैं, तो यहाँ ब्रह्म का मतलब क्या है, बेसिकली प्रधान, ठीक है, प्रधान इज इम्प्रेग्नेटेड बाय द लॉर्ड्स ग्लैंड्स, जिसमें काल शक्ति भी है जीव शक्ति भी है, एंड देन ब्रह्म विच इज बेसिकली प्रधान बिकम्स महत तत्व, दैट मीन्स एक्टिवेटेड मटीरियल नेचर, जिसमें प्रकृति के तीन गुण और एक्टिवेट हो जाते हैं, सतो रजो तमोगुण, जो कि पहले इनएक्टिव थे इन द फॉर्म ऑफ प्रधान, नाउ बिकम एक्टिवेटेड मटीरियल नेचर, सतो रजो तमोगुण जो है एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो प्रकृति के तीन गुणों के बारे में सारी चर्चा है, तो इसलिए हमने डिटेल में इस बात की चर्चा की भगवान गर्भस्थ कैसे करते हैं, नॉट लाइक अस, बट ही हैज हिज ओन ट्रांसेंडेंटल वे जस्ट बाय ग्लांसिंग, दैट्स अ फॉर्म ऑफ महाविष्णु। महाविष्णु कहां किन से आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से, बिकॉज कृष्ण इज आदि पुरुष। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और उनका बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान, क्योंकि भगवान महाविष्णु ही इज इम्प्रेग्नेटिंग। सो बेसिकली जो सोल्स हैं दे आर एंटरिंग इनटू द मटेरियल नेचर,
फ्रॉम महाविष्णु एंड महाविष्णु इज फ्रॉम कृष्णा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि बीज प्रदाता कौन है, मैं हूँ। अहम बीज प्रदापिता, जितने लिविंग एंटिटीज हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पशु हो, पक्षी हो, द बर्ड्स एंड द बीस्ट, 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं उनमें जो सीड देने वाले पिता हैं वो तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अगर इस बात को हम स्वीकार कर लेंगे, वाओ, सो देन दे कैन बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड व्हेन वी नो दैट देयर इज कॉमन फादरहुड, दैट्स कृष्णा। अहम बीज प्रदा पिता, यस। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये हैं सतो, रजो तथा तमो, ठीक है जी। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। जैसे हमने चर्चा की थी किस प्रकार से लिविंग एनिटीज जो जीवात्मा है जब प्रकृति तीन गुणों के टच में आती है तो बंध जाती हैं, सतो रजो तमो बंध जाती हैं। तो इसीलिए इस जगत में लिविंग एनिटीज को बोला जाता है दैट दे आर कंडीशन सोल्स। जैसे एयर बोलते हैं, एयर इज कंडीशन नाउ बाय सर्टन गैजेट, तो हवा जो है फिर हमारे अनुसार होती है, ए इसका थोड़ा कम का टेम्परेचर, इसका बढ़ा दे, नाउ एयर इज कंडीशन, राइट। उस तरह से व्हेन लिविंग एनिटी इज कंडीशन बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो प्रकृति के संपर्क में आती है, तो प्रकृति बेसिकली क्या है, त्रिगुणी है, यानी प्रकृति के तीन गुण है, सत्व रजो तमो, इनमें प्रकट होती है वो। तो हे निष्पाप, यानी कि इस ज्ञान को कौन समझ पाता आसानी से, जो कि निष्पाप है, यस। तो क्योंकि अर्जुन निष्पाप है इसे दिव्य ज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। Those who are having so much of sin in their consciousness, they may say, well, what's this man? ये मतलब क्या है, मतलब हमें को समझ में नहीं आया, अरे मतलब चलो यार, let's move on man. पर इस ज्ञान को कौन समझ पाएगा जो कि निष्पाप है, and that's the quality of Arjuna. सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध करने होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। सो द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इनमें नो डाउट जो सत्वगुण है दैट इज वेरी गुड। तो सत्वगुण है इसमें पीपल हैव नॉलेज एंड पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड, सो दे आर कंडीशन बाय दीज टू बेसिकली। लेकिन हाँ, तीनों में बेस्ट है सत्वगुण। तो प्रकृति तीन गुण है, एक है सत्वगुण, एक है रजोगुण, रजोगुण और है तमोगुण। तमोगुण में अगर कोई व्यक्ति आता है देन दैट्स लाइक अ फ्री फॉल। रजोगुण क्या है, रजोगुण इज लाइक दलदल, ठीक है, सो इट्स लाइक अ मार्शी लैंड, या क्विक सैंड बोलते हैं इसको, दलदल इज लाइक दैट। सत्वगुण इज स्टेपिंग स्टोन, और तो प्रकृति के तीन गुणों के परे जो है, जिसके परे होता है उसको बोला जाता है दिव्य, या और शब्द क्या है इसके लिए, ट्रांसेंडेंटल, या इसको ब्रह्म ही बोला जाता है, ब्रह्म, ब्रह्म इज दैट विच इज ट्रांसेंडेंटल, जो प्रकृति के तीन गुणों के परे होता है, तो दैट इज नोन एज ब्रह्म। ब्रह्म कम्स फ्रॉम द वर्ड बृहत, ठीक है, बृहत मीन्स ग्रेट, बिकॉज द सोल इज ग्रेट, सो ऑल्सो नोन एज ब्रह्म। भगवान का निराकार ब्रह्म इज ऑल्सो ग्रेट, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण इज ऑल्सो ग्रेट, सो ही इज ऑल्सो ब्रह्म, बट बिकॉज ही इज ग्रेटेस्ट, सो ही इज नोन एज पर ब्रह्म, लाइक दैट। सो ये डिफरेंट नेम्स है दैट विच इज बियॉन्ड द थ्री मोड्स। सो अगर मुझे, अगर मैं इन तीनों में हूँ और मुझे दिव्यता में अगर जाना है, ठीक है, या मुझे आई एम टू गो इन टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रांसेंडेंटल, सो मैं दलदल में तो जा नहीं सकता। दलदल में तो जितना छटपटाओ उतना ज़्यादा धसता जाता है व्यक्ति, या तो दलदल में ना शांत रहना चाहिए, क्यों पुकारना चाहिए, जी कोई है, जी कोई हमें निकाल लो। हाँ, सो मार्शी लैंड तो दैट वेज वी कांट यूज दिस एज स्टेपिंग स्टोन टू एंटर इन टू ट्रांसेंडेंस। फ्री फॉल, ये तो मार्शी लैंड में कम से कम ये होता है क्विक सैंड में कि ना आप हिलो नहीं तो आप बच जाओगे, हिलोगे तो धसते चले जाओगे, राइट। तो रजोगुण में क्या बहुत एक्टिविटीज हो रही होती है, वो ये करना, वो करना, वो मिनट सर एक्टिविटी थोड़ा कम कर दो, यप। तमोगुण में तो आप एक्टिविटी करो या ना करो, गिरना ही गिरना है भाई इसमें तो, यस फॉर श्योर। इसमें ऊपर जा भी सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं जी, दोनों ही ऑप्शन रहती हैं, बट देयर इज हाइपर एक्टिविटी होती है। बट सत्वगुण कैन बी देयर एज अ स्टेपिंग स्टोन टू एंटर इन टू ट्रांसेंडेंस। तो इसलिए यहां बताया कि आउट ऑफ द थ्री सत्वगुण इज गुड, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ भी थोड़ी दिक्कत क्या है, द पर्सन कैन बी इंक्लाइन टुवर्ड्स नॉलेज, इफ नॉट भक्ति वाली नॉलेज, बट यस नॉलेज,
एंड सेटिस्फैक्शन। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा संतुष्ट है तो भी क्या है, भक्ति में बहुत अग्रसर नहीं होता, कहते हैं हम वी आर ओके, ठीक है, मतलब आप लोग भक्ति वगैरह करिए, मतलब वी आर ओके, हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है, हमारे बच्चे सेटल हैं, एक हमारा बच्चा है जो इस समय न्यूयॉर्क में है, एक हमारी बिटिया है वो लंदन में वो PhD कर रही है, और हमारा हमारे 2-3 मकान भी हैं, और वहाँ से हमें किराया आता है, हम सुबह गाय का दूध पी लेते हैं और फल खा लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, एंड वी आर डन। तो जो लोग बहुत सेटिस्फैक्शन होते हैं, दैट मीन्स सतोगुण में होते हैं, तो उसका साथ ट्विस्ट ये है, दैट पर्सन कैन बी कंडीशन माई नॉलेज एंड सेटिस्फैक्शन नॉट एंटरिंग इन टू भक्ति बिकॉज जस्ट ही इज जस्ट टू सेटिस्फाइड। लेकिन स्टिल तीनों में देखा जाए दिस इज बेटर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, बहुत इच्छाएं होती है रजोगुण वालों के अंदर, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे वहां पहुंचे दिखाना है, एक दिन में दिखा दूंगा दुनिया को कि यस आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरा लक्ष्य रहता है कि हर 3 साल के अंदर अपने बॉस का बॉस बनने का है मेरे को, यस, ओह माय गॉड, मेरे पास अभी ये वाली गाड़ी है और अगले 6 सालों में ये वाली गाड़ी होगी, 12 साल में ये वाली गाड़ी होगी, एंड वन डे आई विल हैव बेंटली, यस वेरी सून, डिजायर डिजायर डिजायर। सो असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं, कृष्णा नहीं तृष्णा, तो तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाते हैं। सकाम का मतलब क्या होता है, दे डू एक्टिविटीज विच आर नोन एज फ्रूटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिव एक्टिविटी मतलब है हर चीज में मतलब देखना, इससे हमारे का फायदा होगा भाई। सो दे वर्क ऑन 1 FM चैनल जिसको बोलते हैं WIIFM। व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे को मिलेगा भाई, है हमारे का फायदा होगा, हम दान देंगे, लेकिन उसके आप ये 80G बेनिफिट्स है, इनकम टैक्स बेनिफिट्स है कि नहीं है, नहीं है, हम आपको दान नहीं देंगे जी। दान भी करते हैं तो रजोगुणी लोग उसमें देखते हैं फायदा होगा नहीं होगा, दैट मीन्स दे आर ड्रिवन बाय सकाम कर्म, मतलब उसमें अपनी कामनाएं होती हैं उनकी, यस yes। अगर शादी भी करेंगे तो देखेंगे ओके एक सुंदर लड़की है, एक बसुर लड़की है, बसुर लड़की बहुत अमीर है, ओके सुंदर लड़की है लेकिन बहुत गरीब है, आओ बड़े कन्फ्यूजन है, फायदा फायदा फायदा, WIIFM, बसुर लड़की शादी कर लेता हूँ, उसका मर्डर करूंगा, उसका पैसा हथिया लूंगा, सुंदर लड़की बुला करके यहाँ बुला लूंगा, वाह दैट्स इट, सुंदर लड़की भी हो जाएगी, पैसा भी हो जाएगा, इस तरह की सोच ये आती है रजोगुण से आती है बेसिकली, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, इस गुण के प्रतिफल है पागलपन, प्रमाद यानी सनकीपना, किसी बात पर कब गुस्सा आ जाए कुछ नहीं पता। किसने वाले पूछ लिया, भाई साहब टाइम क्या हुआ है, आपके बाप के नौकर लगे हम जो आपको बताएंगे टाइम क्या हुआ है, सर ओके सर नो प्रॉब्लम सर, सन क्या भाई। वाइफ ने अगर पूछ लिया जी खाना ठीक बना आज, दे थाली मारी, क्या चाहती है तू, तेरी तारीफ करूं मैं, आ गई बड़ी, खाना कैसा बना है ये देख तेरा खाना, पूछा क्या सवाल पूछा बेचारे ने, यही पूछा भाई खाना कैसा बना बता दो, यहाँ अच्छा बना है, प्रमाद पागलपन सनकीपना, किसने गाड़ी पीछे छुआ दी, तू इसको मर जाना चाहिए, बंदूक निकाली टू मार दिया उसको, प्रमाद आलस, आए यार कल करेंगे भाई, आज नहीं करेंगे यार, कल करेंगे यार, आज नहीं आज हम आराम करेंगे, आलस 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 आए, और साथ में क्या नींद, सुला दो बस इन लोगों को, yes। संडे को तो अलार्म ऑफ, हम सोएंगे, yes। घंटों घंटों सोएंगे, ये क्वालिटी है मोड ऑफ इग्नोरेंस की, स्लीप भी है, लेजीनेस भी है, मैडनेस भी है, सनकीपना, सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। आगे बढ़ते हैं। हे भरत पुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य को के ज्ञान को ढककर के उसे पागलपन से बांधता है, तो तीनों ही बांधने वाले, ये संतुष्टि में बंध गए, ये इच्छाओं में बंध गए, ये आलस्य में या नींद में बंध गए, लो जी इसलिए क्या होता है, ये तीनों लोग ना परमात्मा की बात सुन नहीं पाते, परमात्मा अगर कुछ बता भी रहे अगर हार्ट में कहते हैं भाई साहब सुन लो, मान लो जो सत्वगुण में ही इज वेरी सेटिस्फाइड, तो परमात्मा आई एम सेटिस्फाइड, हाँ हिज कंडीशन माई मोड ऑफ सेटिस्फैक्शन मोड ऑफ गुडनेस, तो ये परमात्मा की आवाज नहीं सुन पाता। रजोगुणी व्यक्ति में इतनी इच्छाएं होती है, ये इच्छा वो इच्छा ये इच्छा वो इच्छा, परमात्मा बोल रहे थे एक्सक्यूज मी ही इज नॉट एबल टू लिसन टू परमात्मा बिकॉज इसकी इच्छाओं की आवाज इतनी ऊंची है कि परमात्मा की आवाज नहीं सुनता है, ठीक है जी। तमोगुण में व्यक्ति में इतना इनर्शिया होता है, इतनी डलनेस होती है कि परमात्मा को बता भी रहे होते हैं एक्सक्यूज मी ही इज नॉट एबल टू लिसन बिकॉज ही इज सो डल,
तो प्रकृति के तीन गुणों की वजह से हम परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बना नहीं पाते। ओके, हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण पे को परास्त करके प्रधान बन जाता है, और कभी रजोगुण सत्व और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व और रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो इन तीनों में जो है स्पर्धा चली रहती थी, सत्व रजो तमो में स्पर्धा रहेगी, कभी सत्वगुण ऊपर हो जाएगा, कभी रजो तो कभी तमो तो कभी ये, तो एक दूसरे को डिफीट, तो दैट भी हमेशा लगता रहता है। तो इससे अगर जो लोग बोलते हैं कि हम तो जी सत्वगुण में हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा सत्वगुण में रहते हैं, कभी कभी रजोगुण भी आता है, राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं दे आर मॉरली वेरी गुड, वेरी जेंटलमैन, लेकिन कभी कभी इनसे गलत काम भी हो जाते हैं, कहते पता नहीं सर ये मेरे साथ से कैसे काम हो गया, क्योंकि हमेशा सत्वगुण में व्यक्ति नहीं रहता, मौका आता है तो जानवर ही बन जाता है वो। तो इसीलिए दैट इज सिर्फ सत्वगुणी होना जरूरी नहीं है, रीजन बीइंग सत्वगुण के साथ दो और लोग भी हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, स्पर्धा चलती रहती है जी। जो मौका मिलता है, हमने देखा कई लोग बहुत जो जेंटलमैन होते हैं, excuse me, how are you doing? Well, yeah, thorough gentleman, yes, what, he they follow all etiquettes, yeah, wow, yeah, how are you doing, yeah, well, fine, nice meeting you, gentleman log hai, satto guni, lekin jab mauka aaya, oh, dekha bhai, opportunity hai, main kuch galat kaam kar lun, kar bhi lete hai ye, so that is, there is always competition between the three, yes, aage badhte hain. सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो मेरी बॉडी के अंदर जो है कितने हैं, 9 द्वार हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, तो इस तरह से बॉडी के अंदर ये हैं 9 गेट्स, यस। तो अगर ये 9 गेट्स आर इल्यूमिनेटेड बाई सत्वगुण, देन द पर्सन कैन एक्सपीरियंस सत्वगुण। तो यानी कि व्यक्ति को सात्विक देखना चाहिए, सात्विक सुनना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, सात्विक बोलना चाहिए, सात्विक सुनना चाहिए, ओके। अगर ये सात्विक अगर खाना होगा तो नीचे के ऑर्गन्स में सत्वगुण अपने आप रहेगा, नीचे से हम खाते तो है, नीचे से हम निकालते हैं घर, राइट। तो अगर आप खा रहे हैं ऊपर टांग खा रहे हैं अगर, ठीक है जी, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई, पेट खाली हो नहीं रहा, ओए होए, तो वहाँ कौन सा आ जाएगा गुण, तमोगुण आ गया जी। फिर वहाँ पाइल्स हो गई, ओए होए होए होए, हाँ, तड़कीला भड़कीला मसालेदार आपने उस खाया, ओहो वहाँ पर अब पाइल्स हो रखी है, खून निकलता है, ओह सो एम्बेरेसिंग जी, वहाँ तमोगुण आ गया, क्योंकि यहाँ पर जीवा पर जब हमने ध्यान नहीं रखा तो उसका फल भोगना पड़ जाता है हमको। सो दैट फेज वी शुड सी कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ये USB पोर्ट्स हैं, ये USB पोर्ट्स, इन USB पोर्ट पर जो पेन ड्राइव लगाएंगे हम जोन से गुण की, वो ही हमारे अंदर हमको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है जी। तो इसीलिए 9 गेट्स पे हम क्या रख रहे हैं, इन USB पोर्ट्स पे, सो दैट वुड अफेक्ट आवर हार्ड डिस्क, आवर इनर बीइंग। सो हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, बहुत मेहनत, दिन रात 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे, पीपल हु आर वर्कहोलिक, वर्कहोलिक पीपल, दैट मींस आर इन रजोगुण, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं, इच्छाओं जिनका कि कोई मतलब लिमिट नहीं है कि व्यक्ति को बस वो संतुष्ट हो जाएगा, ना 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 ना, नेवर सेटल, वन प्लस। तो अनियंत्रित इच्छा, दे नेवर सेटल, ठीक है, हालांकि उनको लोगों की कोशिश रहती है, वी वांट अ बॉय हु इज वेरी वेल सेटल, वी वांट अ गर्ल हु इज वेरी वेल सेटल, सर व्हेन यू आर इन रजोगुण यू नेवर सेटल, एक्चुअली नेवर सेटल, सो लाइफ बन जाती है 1 माइनस लाइक दैट। एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं, ग्रीड, और चाहिए और ग्रीड, पता क्या है ग्रीड, वास्तव में एक ऐसा टम्बलर है जिसका कि ना ऊपर का है ना नीचे का है, इसको टम्बलर होना इस तरह से, इसके निचला हिस्सा भी ना हो, इसका ऊपर का हिस्सा भी ना हो, इवन पूरा समुद्र भी इसमें से अगर गुजर जाएगा ना, स्टिल दिस वुड रिमेन एम्प्टी, दैट इज द नेचर ऑफ ग्रीड, कितना डाल लो उसके अंदर स्टिल निकल जाता है, एंड देन भरता नहीं है इसकी, दैट्स द क्वालिटी ऑफ रजोगुण बेसिकली। ओके, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो कुरुख पुत्र अंधेरा, जड़, द पीपल हु बिकम लाइक स्टंड, यू नो, उनको एजुकेट कर, समझ में आ रहा आपको, भाई साहब हम जो आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, भाई आप जड़ है, लिविंग है, सो जड़ता मीन्स पीपल फील डलनेस, डल, बातचीत करते करते डल होते हैं, वो बात कुछ और कर रहे होते हैं, बात कुछ और करते हैं, कहते हैं एक मिनट हम क्या बात कर रहे हैं, सर आप क्या बात कर रहे हो, कहते हैं क्या 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 बात कर क्या क्या बात, जड़,
प्रमत्ता मैडनेस था, मोह का प्रकट्य होता है। प्रमत्त मतलब किस चीज को लेकर के, इंटॉक्सिकेशन। I want to enjoy that. I want to enjoy this. I want that lady. I want that boy. I want that chocolate. I want that. Pramatta. Moh ka prakat hote. Mera hai, ye mera hai, ye mera hai. I and mine. Ye mera hai. Ye cheez meri hai. Ye log mere hai. Ye sampatti meri hai. Ha. That's also moh. Ye patni, mere bacche, mere ghar, mere ghristi. Ye main. Ye main aur mera. Main aur mera aata hai. Rajogun se. Theek hai ji. Aur aage badhte hain. जब कोई सत्वगुण में मरता है तो वह महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों को प्राप्त करता है। ठीक है, तो महर्षि इसीलिए कहां पर है, ऊपर के लोकों में। तो हमने सुना भूर भुआ स्वः, ठीक है, ऊपर के लोग भी हैं, नीचे के लोग भी हैं और बीच के लोग भी हैं। सो देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, ठीक है, उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से अगर ये अर्थ है तो मोटा मोटा स्वर्ग लोक तक वो लोग होते हैं जो रजोगुण में होते हैं। ठीक है, इनके नीचे के लोकों में जाते हैं जो लोग तमोगुण में होते हैं, यहाँ पर रजोगुण, और इसके ऊपर के जो लोग हैं बेसिकली प्राइमरीली ऊपर के जो चार लोग हैं यहाँ पर सत्वगुणी लोग होते हैं। तो इसलिए जो सत्वगुण में जो यहाँ जीते हैं पृथ्वी लोक में बेसिकली दे गो टू हायर प्लैनेट्स, यहाँ महर्षि लोग रहते हैं। अगर लोअर मोड्स में गए तो नीचे जाना पड़ेगा जी। रजोगुण में है तो फिर ये यहीं के प्लैनेटरी सिस्टम में घूमना फिरना पड़ता है। सो देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। अभी जो है हम सिर्फ एक ही प्लैनेटरी सिस्टम जानते हैं जो कि हमारा सोलर सिस्टम है। इसके ऊपर भी देयर आर मेनी मोर प्लैनेटरी सिस्टम्स, इसके नीचे प्लैनेटरी सिस्टम्स, दैट मींस देयर आर मेनी मोर प्लैनेट्स विच आर इन डिफरेंट टाइम जोन्स। तो उन टाइम जोन्स में हमारे स्पेसक्राफ्ट नहीं जा पाते, तो हम कहते हैं वेल बस यही है। नहीं सर, ब्रह्मांड के अंदर देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, पृथ्वी के नीचे भी हैं, पृथ्वी के ऊपर भी हैं। तो पृथ्वी का साथ वही जो सोलर सिस्टम हमने बस वही देखा है, वो हमने कुछ अपना स्पेसशटल भेज दिया, वहाँ पर मार्स से भेज दिया, हमने कहा वाह we have conquered the universe, no sir, very small part of it, but anyways, to lekin satogunni jo log hote hain jo prithvi par, they go to higher planets which are there, jo ki upar ke log hain jisme brahma log aate hain, jan log, tapo log, mahar log, to these are the planets of the saintly people. Iske niche hain sense enjoyment wale bhi log aate hain, isme heaven bhi aata hai, theek hai, jannat aur wagaira wo sab yahan par aate hain. Niche ke ye niche ke log hain, theek hai, iske niche fir aate hain hell. एज पर कॉस्मोलॉजी ये यहाँ पर हेल आते हैं। सो दैट फेस जैसे कर्म करें देन वी मे हैव टू कम टू हेल। ये 28 काइंड्स ऑफ हेल आर देयर, ठीक है जी। सो बट एनी वेज, सो देर 14 प्लैनेटरी सिस्टम प्लस 28 आर काइंड्स ऑफ हेल। बट एनी वेज, जो तामसिक लोग होते हैं दे मे हैव टू कम टू हेल एज वेल। आगे बढ़ते हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में या में जन्म ग्रहण करता है। So somebody can take birth in animal life as well. पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, okay. लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। शुरू शुरू मजा आता है रजोगुण में, अरे शेरो शारियां ये वाह खूब मजा आ रहा है, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है सर, बाद में तेरी पिटाई होगी तो पता लगेगा। हाँ, सो रजोगुण में जो कर्म होते हैं अल्टीमेटली दुख देते हैं, शुरू शुरू में मीठा, बाद में दुख देना, ठीक है, दैट्स द नेचर ऑफ इट। और तमोगुण में किए गए कर्म जो होते हैं वो मूर्ता से प्रतिफलित होते हैं, दे आर फुल ऑफ फूलिशनेस, स्लीप है, लेजीनेस है, मैडनेस है, उस व्यक्ति करेगा क्या, मूर्ता ही काम ही करेगा, राइट। सो दैट वेज वो मूर्खता से प्रतिफलित होते हैं। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड हियर। सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं या इनके ऊपर के जो स्वर्ग लोग वगैरह वहां जाते हैं एट द मैक्स, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे के नरक लोगों में जाते हैं। तो ये नीचे इनमें भी आ सकते हैं, एंड दे कैन कम टू हेल एज वेल। ऑलराइट, जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब यह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों के परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। यस, तो इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुण हैं, हम इनके गुणाधीन हैं, ठीक है। भगवान जो मुक्त होते हैं उनको गुणातीत बोलते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण हैं या उनके अवतार जैसे भगवान जी महाविष्णु हैं या फिर परमात्मा हैं, ये गुणाधीश हैं, गुणों के मालिक हैं ये भगवान श्री कृष्ण, ओके। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है, इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो पॉसिबल है, तो अमृत का अगर आस्वादन करना है, अगर जैसे ने बताया वो दिव्यता है बेसिकली, तो ये अमृत यहां पर होता है।
अमृत इज हेयर, ये दिव्यता में, ब्रह्मता में, ट्रांसेंडेंटल, ओके, या जिसको बोलते हैं बृहत, और दैट विच इज ग्रेट, दैट विच इज स्पिरिचुअल एक्चुअली, अमृत यहां होता है। तो अमृत का आस्वादन वो कर सकता है इसी जीवन में, ये पॉसिबल है। कई लोगों को लगता है भाई हम दिव्यता में पहुंच पाएंगे, वेल या इट इज पॉसिबल, दम लगाना पड़ेगा। ये जो तीन है ना, सत्व रजो तमो गुण, इनके परे जाना पड़ेगा, बिकॉज गुण जो है इसका एक मीनिंग क्या है, रस्सी भी है, ठीक है जी। गुण का मतलब क्या है, एक तो है क्वालिटीज, दूसरी क्वालिटी है रस्सी, दैट मीन्स रोप्स। सो वी आर बाउंड बाई रोप्स ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, यस। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों के परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। ओह कह भाई, आपका ये सब समझ में तो मेरे को आ गया जी, लेकिन निकलना कैसे है, उसका आचरण कैसा होता है, लक्षण कैसे होते हैं। ऐसे कोई बोल दे हम तो प्रकृति के तीन गुणों के परे हैं, रियली सर आपके लक्षण देखते हैं अभी हम, उनका आपका आचरण देखेंगे हम, उससे पता लगेगा कि आप प्रकृति के तीन गुणों के परे हैं या नहीं है। सो और वह प्रकृति गुणों को किस प्रकार लांघता है, और जो अगर पहुंचा तो भाई कैसे पहुंचा, कैसे दिव्यता की ओर, व्हाट वाज द वे। तो आइए इस बारे में जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहां बता रहे हैं 22 से लेकर 25वें तक। सो ऑलराइट, हियर गोज द नेक्स्ट वर्स। श्री भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर भी पर ना तो उनसे घृणा करता है, ठीक है जी, और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। भाई नहीं रहा तो अरे काश काश काश, नहीं, जो भौतिक गुणों के इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है, ओके, यानी कि लाइफ में अब आसक्ति है या मोह है, इनसे अविचल रहता है वो, ही इज नॉट मूव्ड बाय देम, और वह जान करके केवल गुण ही क्रियाशील हैं। प्रकृति तीन गुण ही क्रियाशील है, जब किसी को सतोगुण आ गए तो उसी एक्टिविटी सतोगुण वाली हो गई, कोई रजोगुण में आ गया तो एक्टिविटी रजोगुण वाली हो गई, कोई तमोगुण में आ गया तो एक्टिविटी तमोगुण वाली हो गई। तो दैट इज एक्टिव है कौन, प्रकृति के तीन गुण, तो दैट इज प्रकृति के तीन गुण ही तो प्रकृतिशील है, क्रियाशील है, तो ये समझ लेता है वो, ठीक है जी। उदासीन तथा दिव्य बनाता है, उदासीन का मतलब यहाँ पर ऐसे इसको लेकर बहुत एम्बिशियस नहीं रहता वो, उदासीन होता ऐसे नहीं उदास बैठ जाता वो, ना ना ना, इट मींस दैट इनको लेकर के ना बहुत उत्साही नहीं रहता, ही इज नॉट वेरी एम्बिशियस टू बिकम समथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, ना क्या जितना आ रहा है आई एम ओके, मेन मुझे भक्ति करनी है भाई, दैट्स इट। सो प्रमोशन हो गई, थैंक यू, नहीं हुई, आई डोंट माइंड, दैट्स ओके। सो ऐसा व्यक्ति संसार के प्रति उदासीन रहता है, इन द सेंस ही इज नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस, या उसे कुछ एम्बिशंस हों, तो एक्सपेक्टेशंस और एम्बिशंस ये दोनों बहुत जरूरी हैं, इनको नलीफाई करना, एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस, ये दोनों ही उसके अंदर नहीं रहते, इसका मतलब हो गया वो क्या, उदासीन, दैट मीन ही इज लीस्ट बॉदर्ड। जो इनमें गुणों में होगा ना तो बोलेगा व्हाट, लेकिन जब दिव्य स्थित हो जाता है ना, कहता है सो व्हाट, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन समबडी हु इज इन द गुणास, जो गुणों में हो क्या बोलेगा वाओ व्हाट, एंड द वन हु हैज ट्रांसेंडेड सो व्हाट, दैट्स द डिफरेंस एक्चुअली, ओके। और क्या होता है, जो अपने आप में स्थित है, यानी जानता है कि मैं आत्मा हूं, इस तरह से वो स्थित है, और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, या दुख और सुख है, देखो कुछ नहीं है, दुख जो होते हैं वो तो जहर के समान है, अच्छा सुख क्या है, वो भी जहर है, लेकिन शुगर कोटेड जहर है, थोड़ा मजा करेंगे फिर नग जाना पड़ेगा, सो दैट वे दुख और सुख मैन, दैट जस्ट रियलिटीज ऑफ लाइफ मैन, टेक अ चिल पिल, ओके। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, ये देखता है भाई मिट्टी का ढेला भी किसकी प्रॉपर्टी है, भगवान की प्रॉपर्टी, उनकी सेवा में लगाओ जी इसको, पत्थर देखेगा तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान की सेवा में लगाओ जी इसको, अच्छा अगर सोने को देखेगा तो सोना ये तो भगवान की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए भगवान की सेवा में लगाएगा इसको, तो जिस तरह से उसको संभाव दिखता है वो, नॉट दैट कि उसकी अब दृष्टि खराब होती है, भाई मैं देख नहीं पा रहा सोना क्या है मिट्टी क्या है, अब मेरे लिए सब बराबर है, नहीं सर, उसके लिए सोना सोना ही है, मिट्टी मिट्टी है, पत्थर पत्थर ही है, बट ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू कृष्णा, ये उसकी दृष्टि हो जाती है बेसिकली, ठीक है जी। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान रहता है, कुछ परिस्थितियां अनुकूल होंगी, कुछ प्रतिकूल होंगी,
बहुत बढ़िया, ओके माई वाइफ इज़ वेरी फेवरेबल टू मी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। वाइफ छोड़ के भाग गई, कोई बात नहीं, चलो भगवान की इच्छा थी शायद मैं हाँ पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाऊँ। तो अनुकूल प्रतिकूल में दोनों ये देख रहा, अनुकूल जो हुआ है मेरी लाइफ में वो असल में भक्ति के लिए अनुकूल ही है, और जो प्रतिकूल जो हुआ है ना मेरी लाइफ में वो भक्ति के लिए अनुकूल ही है। तो दोनों को अनुकूल ही मानता है वो, कि रीजन में मेरी भक्ति के लिए दोनों फेवरेबल है। वट एवर कृष्णा इज डूइंग विद मी ही इज डूइंग फॉर माई गुड, तो ये लेके चलता है वो, दैट्स वेरी नाइस। जैसे हमारे भक्त थे बहुत अच्छे सेवा करते थे, एक समय उनको हुआ कि ही गॉट बर्न्स ऑन हिज बॉडी, गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी में आग लग गई, पेट्रोल की टंकी फट गई, एंड ही गॉट 60% बर्न्स ऑन हिज बॉडी, और वो सेवा कर रहे थे, सालों से सेवा कर रहे थे वो। तो किसी ने बोला, अरे आप तो भगवान के भक्त हैं, आपके साथ ऐसा हो गया, आपकी बॉडी में फ्रैक्चर भी आ गए, बॉडी में 60% बर्न्स भी आ गए। उन्होंने बोला, भाई भगवान की बड़ी दया हो गई, वास्तव में मैं बहुत बिजी चला था जिसकी वजह से ना मैं भागवतम नहीं पढ़ पा रहा था, श्रीमद् भागवतम बहुत टाइम हो गया था, मेरी बड़ी इच्छा थी, भगवान ने अब क्या किया मेरे को 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे डाल दिया, अब मैं 6 महीने मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा। तो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, वो कहता भाई कुछ नहीं होता प्रतिकूल, सब अनुकूल ही है, मेरे प्रभु मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। संसार में जीव जो अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं उनके साथ कुछ अच्छा हो बुरा हो कह नहीं सकता, लेकिन हाँ भक्त के जीवन में भगवान अच्छा ही करते हैं। तो अनुकूल प्रतिकूल को संभाल के चलता है, दोनों ही अनुकूल हैं भक्ति के लिए, दैट्स द काइंड ऑफ विजन ही हैज। ओके, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में संभाव रहता है, उसको पता है मान अपमान भी क्या है, बेसिकली इट इज ग्रांटेड बाय कृष्ण, किसने मेरा मान सम्मान किया, वेल योग्यता तो कृष्ण से आ रही, तो किसने मेरा सम्मान कर दिया अगर, वेल दैट इज बिकॉज ऑफ कृष्ण, अगर अपमान कर दिया, वेल मेरे कर्मों के फल हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भगवान ने इसको अप्रूवल दिया कि मेरा अपमान करें, सो इन कृष्ण हैज सर्टिफाइड इट, तो ऑलराइट। सो अपमान में भी वो फिर बिंदास रहता है, ओके ओके, प्रशंसा में बुराई में मान तथा अपमान में संभाव बना रहता है वो। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, यस, तो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार, वो जानता है भाई शत्रु और मित्र कुछ नहीं है, मन के इल्यूजन्स हैं, जो मेरी इंद्रिय तृप्ति को फेवर करेगा वो मेरा मित्र है, और जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालेगा मेरा दुश्मन है। ये मन के द्वारा संसार को हम दो भाग में मार देते हैं, मित्र शत्रु। सो अब क्योंकि वो मन के परे जा चुका है, अध्यात्म में आ चुका है, तो वो शत्रु और इनको कुछ नहीं, मित्र तो कहते वो होता है, वो मेरे को शत्रु देखता हो पर मैं उसको शत्रु नहीं मानता, ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। अरे भाई भगवान का अल्टीमेटली है तो भगवान की शक्ति का अंश है भाई, उससे क्या शत्रुता करेंगे। सो कोई व्यक्ति भक्त को शत्रु मान सकता है, लेकिन भक्त इसको शत्रु नहीं मानता, जो मित्र भी हैं उनके साथ रहता है, रहता ही भाई ठीक है, भगवान ने ये साथी दिए हैं ताकि मेरी हेल्प करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सो इस तरह से वो संभाव रहता है मित्रों के प्रति भी और शत्रुओं के प्रति भी। और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, भौतिक कार्य मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ के जो कार्य, जिसमें कि इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रियों का पोषण करना है, इंद्रियों का मजा करना है, उसको लेकर के वो परित्याग करता है। लेकिन अगर प्रसाद आएगा तो भगवान का पाएगा कि कृष्ण का प्रसाद है, एंड इट्स वेरी टेस्टी, ही मे टेक इट, पर लेकिन वैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कोई कार्य नहीं करता, ही मे डू इट फॉर कृष्णा वट एवर ही डज लाइक दैट। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, यानी कि अभी प्रकृति के गुणों के परे जा चुका है ये, उसको बोलते हैं गुणातीत। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हम लोग अभी क्या हैं, गुणाधीन, यानी गुणों के अधीन, जो मुक्त हो जाते हैं, जिनके सिम्टम्स ये सारे बताए गए हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं गुणातीत, दैट मीन्स दे आर बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। भगवान के शुद्ध भक्त, आचार्यगण, वैष्णवगण, ये सब होता है गुणातीत। भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो है गुणाधीश, दैट मीन्स ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण आ रहे हैं, दैट मीन्स नाउ दिस पर्सन हैज लेफ्ट दिस प्लेस, नाउ ही हैज कम टू दिस लेवल, एक्चुअली ही हैज बिकम गुणातीत, ही हैज बिकम लिबरेटेड लाइक दैट। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस है ये मटेरियल वर्ल्ड में है, ये जो एग्जिस्टेंस है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं गुणाधीश, हम हैं गुणातीत, हमारी भक्ति भी कैसी होती है गुणातीत like that। यहां भक्ति कर रहे होते हैं, हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं बाधा आई जाती है, because we are driven by the three modes of material nature, like that। Alright, आगे बढ़ते हैं हम। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, भला इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। सो यहां लिखा है कि वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, अब भला इसका क्या मतलब है कि ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, दैट मीन्स ही बिकम्स वेरी स्टेबल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब भक्ति करते करते ना बहुत ही ज़्यादा अब वो स्टेबल हो चुका है, बट व्हाट डज दैट मीन, होता है जब हम भक्ति के सफर में होते हैं, सो भक्ति में जो हमारा सफर है, दैट कैन बी कंपेयर्ड टू ट्रैवलिंग वाया अ प्लेट्यू, प्लेट्यू जानते हैं पठार, पठार ऐसे होता है,
ऐसे, और यहाँ ढलान होती है, यहाँ ढलान होती है, लाइक दैट। अब कोई व्यक्ति यहाँ से चढ़ना शुरू करे तो बड़ी मुश्किलें जाएंगी, राइट। या यहाँ आके स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर तो स्विफ्ट, तो यहाँ से जाना इट्स अ स्ट्रगल, ठीक है जी। यहाँ पर आकर के स्टेबिलिटी, और यहाँ पर तो वेरी स्विफ्ट लाइफ, ओके। तो दैट वेज वन पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी बाय श्रद्धा, ठीक है, दैट इज फेथ। श्रद्धा जब होती है, श्रद्धा के बाद व्यक्ति क्या करता है, डिवोटीज का संघ ढूंढता है, ही सर्चेस फॉर द डिवोटीज एसोसिएशन, भक्तों का संघ ढूंढता है वो। सो डिवोटीज एसोसिएशन बेसिकली दैट इज साधु संघ। भक्तों के संघ में आने के बाद उसको क्या प्राप्त होती है, भजन क्रिया, दैट मीन्स अ पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति उसको प्राप्त होती है, सो उसको बोलते हैं भजन क्रिया। सो भजन क्रिया दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, ओके। अब जो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस भक्तों के समय जो एग्जीक्यूट करता है, तो होता है क्या, उसकी लाइफ में अनर्थ निवृत्ति, दैट मीन्स क्लेंजिंग होती है उसकी, सो गेट्स प्यूरिफाइड, सो प्यूरिफिकेशन होता है, दैट इज नोन एज अनर्थ निवृत्ति, ठीक है जी। और जब ये अनर्थ निवृत्ति होती रहती है, द पर्सन कम्स टू द लेवल ऑफ निष्ठा, निष्ठा का मतलब है स्टेडीनेस। हियर द पर्सन बिकम्स स्टेबल, उसके बाद बाकी जो जर्नी है वो बहुत आसान होती है। बेसिकली आप जब व्हेन समबडी हैज रीच्ड निष्ठा, निष्ठा के बाद ना उसकी रुचि बहुत बढ़ जाती है भगवान की चीज़ों में, ओके। तो जब वो निष्ठावान हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसकी ना हर चीज़ जो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण के नाम में रुचि, कृष्ण के रूप में रुचि, सो देर इज रुचि, दैट मीन्स डीप इंटरेस्ट, यस, वेरी स्ट्रांग इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट, दैट इज वॉट कम्स। सो भगवान के नाम में रुचि, भगवान के रूप में रुचि, भगवान के गुणों में रुचि, भगवान की लीलाओं में रुचि, रुचि तौर और रुचि, ओके। ये रुचि की वजह से अब नाउ दिस पर्सन कम्स टू द लेवल ऑफ आसक्ति, आसक्ति मींस डीप अटैचमेंट, बहुत ही डीप अटैचमेंट हो जाती है व्यक्ति की। उसकी वजह से अब नाउ दिस पर्सन कम्स टू द लेवल ऑफ भाव, दैट मींस बिगिनिंग स्टेज ऑफ एक्सटेसी, प्रेमोन्माद की शुरुआत, इतना अतः आनंद असीम आनंद, यो निराकार ब्रह्म का जो आनंद है वो मतलब हाईली नेग्लिजिबल बिफोर दिस आनंद, जो कि भाव के लेवल पे व्यक्ति अनुभव करता है। एंड फाइनली द पर्सन रीचेस प्रेम, विच इज डिवाइन लव, यस। सो इस तरह से हमारी जर्नी चलती है। तो ये स्ट्रगल कहाँ है, यहाँ है। यहाँ से व्यक्ति जो चल रहा होता है, तो चलते हुए गिरेगा भी, चलेगा फिर गिर जाएगा, कुछ आगे पहुँचेगा फिर गिर जाएगा, आगे पहुँचे गिर जाएगा, तो गिरना फिरना जो है यहाँ लगा था। बेसिकली यहाँ थ्री मोड्स ऑफ नेचर होते हैं उसकी लाइफ में, ठीक है जी। अब थ्री मोड्स में विशेष रूप से लोअर मोड्स हैं, यानी कि पैशन के और इग्नोरेंस के, लाइक दैट। ये उसको नीचे खींचते रहते बार बार, कभी अज्ञानता में, गुस्से में आके कुछ कोई गड़बड़ी कर दी उसने गुस्से में आकर के, तो कभी उसकी इच्छाएं थी उसको पुश कर दिया, बाहर खींच लिया उसको, अरे चलना यार भक्ति के अलावा और भी कुछ करते हैं यार, तो कोई गलत काम कर लिया, कुछ कुछ गलत देख लिया, किसी को धोखा दे दिया, किसी को चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया, दैट वेज यहाँ पर क्या उपाय उतार चढ़ाव लगा रहा था। तो दैट वेज यहाँ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, लेकिन विशेष रूप से रजोगुण तमोगुण जो होते हैं वो बहुत तंग करते हैं, अरे बहुत तंग करते हैं। जब व्यक्ति यहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी निष्ठा के लेवल पर जब वो पहुँच जाता है, हियर ही इज मोर और लेस इज इन गुडनेस, और ये जो होते हैं दोनों पैशन और इग्नोरेंस बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं, व्हेन समबडी रीचेस द प्लेटफॉर्म ऑफ निष्ठा। तो ये जो गुडनेस है, गुडनेस की वजह से क्या आती है लाइफ में, स्टेडीनेस। तो इससे जो भी भक्ति में कार्य कर रहा होता है ना, ही बिकम्स वेरी स्टेडी, उसका सुबह उठना रेगुलेटेड हो जाता है, पढ़ने मन लगता है, यहाँ पढ़ने मन नहीं लग रहा होता, रजोगुण में पढ़ाई कैसी होती है, मन यहाँ भागा, कहीं मन वहाँ भागा, यहाँ भागा, वहाँ भागा, फिर पढ़ा, फिर यहाँ भागा, भागा, इग्नोरेंस में सो ही जाता है बंदा। सो यहाँ साधना करने में बहुत दिक्कत जाती है जी, बट समबडी कम्स टू द प्लेटफॉर्म निष्ठा, तो यहाँ पर देर इज गुडनेस, अब जो करता है स्टडीली कर पाता है, अब उसको बोल के अच्छा भी लगता है, बिकम्स मोर स्टडी, नाइस, या सो निष्ठा से शुरुआत हो जाती है, निष्ठा और रुचि से रागानुगा भक्ति की, दैट मीन्स अ पर्सन इज नाउ स्पॉन्टेनियसली इन टू भक्ति। इसके पहले ही इज एंगेजिंग द सेंसेस ओनली,
पर यहां पर उसका मन भी लगना शुरू हो जाता है। यहां मन नहीं लगा होता इतना, अरे अरे छोड़ना यार आज नहीं करते यार, हरे कृष्णा आज भी करना पड़ेगा, अरे सो दैट यहां पर ये दिक्कत यहां पर सेंसेस तो लग जाती हैं, लेकिन जो माइंड होता है ये नहीं लगता जी, तो इसलिए यहां स्ट्रगल लगा रहता है। थ्री मोड्स भी हैं, मन भी लग नहीं रहा है यहां पर, कभी लग जाता है कभी नहीं लगता है लाइक दैट, लेकिन यहां पर आखिर गुडनेस आती है, सो देन मन जो है लगना शुरू हो जाता है, दैट्स वेरी गुड। अगर हम यहाँ चढ़े यहाँ स्ट्रगल है, चले फिर गिरे, चढ़े फिर गिरे बहुत गिरे हुए जाते हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन जर्नी करते करते जब यहाँ पर आते हैं, वाह नाउ जर्नी बिकम्स स्मूथ, यस, और यहाँ पर जर्नी यहाँ तो जर्नी बिकम्स वेरी स्विफ्ट वेरी ईजी, यस, ये फॉल डाउन नहीं है, हम देखें एरो नीचे जा रहे हैं, यानी कि क्या अब वो भक्तियाँ गिरना शुरू हो गया, नहीं नहीं सर, यहाँ है द ईज ऑफ जर्नी, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ जर्नी लाइक दैट। अब सत्वगुण है, अब सत्वगुण क्या होता है, अब सत्वगुण जब आ गए ना इसमें रजो तमो बहुत कम रहता है, अब ये कम होते 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 फाइनली दे बिकम मतलब जीरो, ठीक है, आसक्ति के लेवल पे लोअर मोड्स होते हैं, मतलब दे आर जीरो। भाव के लेवल पे नाउ ही एंटर्स इनटू ट्रांसेंडेंस, दिव्यता का उसको आस्वाद बड़ा मतलब सिग्निफिकेंटली आना शुरू होता है एट द लेवल ऑफ भाव भक्ति। प्रेम भक्ति पे तो ओह, तो भाव का मोर इंटेंस फॉर्म है दैट इज प्रेम, तो अब व्यक्ति जो है जब प्रेम पे पहुंच जाता है तो अब वो दिव्यता में ही रहता है, एंड देन ही नेवर एवर कम्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, कभी नहीं आता इस जगत के अंदर, नेवर एवर, कहता कौन आएगा यहाँ भसड़बाजी के अंदर प्रकृति के तीन गुणों की, सो नाउ ही बिकम स्टेबल एशेज। सो ये जो है स्टेजेस हैं ये दिव्यता की हैं, इससे पहले की स्टेज भी है, दिव्यता आनी शुरू हो जाती है ऑफ कोर्स वेरी वेरी लिटिल, लेकिन हाँ सत्वगुण तो भर भर के होता है, रजोगुण तमोगुण जो है वो तो अब नेग्लिजिबल रहते हैं, यहां पर सारा स्ट्रगल तो यहां पर है, सो दैट मींस अ स्ट्रगलिंग साधक यहां पर है स्ट्रगल सारा बिकॉज ऑफ लोअर मोड्स, लेकिन हाँ स्ट्रगल जो है मिनिमाइज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, हियर इज देयर स्टेडीनेस एंड नाउ ये तो अरे सिल्की स्मूथ, दिस पार्ट, ठीक है जी, सो दैट फेज ऑफ कोर्स अभी अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है दैट मीन समवेयर वी आर हियर इन द जर्नी। सो दुनिया में 99.9999% लोग दे आर हियर ओनली, दे आर स्ट्रगलिंग, भक्ति में बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं शुरू शुरू के दिनों में, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए, भक्ति में बहुत शक्ति है, तो लोअर मोड्स काटेगी, फाइनली वी बिकम स्टेबलाइज एंड देन वी एक्सपीरियंस अ सिल्की स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ भक्ति एज वेल। सो दैट फेज ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, कैसे पहुंचता है, ऐसे पहुंचता है एक्चुअली, ब्रह्म का मतलब क्या है, दिव्यता, एस्पेशली यहां दिव्यता तो बहुत ही मतलब जोर शोर से एक्सपीरियंस कर पाता है यहां पर, दिस इज दिव्य ट्रांसेंडेंटल, तो इस प्रकार से देन द पर्सन बिकम्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड एंड ही रिलिशेस भक्ति, सुपर डुपर अनपैरेलल कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस ऑफ भक्ति इज एक्सपीरियंस्ड हियर। तो अगर महान चीजों के लिए अगर स्ट्रगल करना पड़ता है तो ये स्ट्रगल जो है दिस इज वर्थ, दिस इज मीनिंगफुल स्ट्रगल, ये स्ट्रगल कर रहे हैं हम प्रकृति तीन गुणों के साथ, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं दुख 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 लगा हुआ है, पर ये मीनिंगफुल स्ट्रगल है बाबा, निराश नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज देयर आर फ्यू रोल मॉडल्स जो कि यहाँ पर भी हैं, ओके तो कुछ रोल मॉडल्स इनको देख करके इंस्पिरेशन लेने लेनी चाहिए, इवन दो थोड़े कम होते हैं नंबर में, यहाँ पर भी देयर आर फ्यू रोल मॉडल्स को देख करके इंस्पिरेशन लेते रहने चाहिए, भले ही हम यहाँ पर हैं लेकिन हम भी एक दिन यहाँ पर आएंगे, यस एक दिन हम भी यहाँ पर आएंगे, यस ये पॉसिबल है, भक्ति में शक्ति है, ये पॉसिबल है। सो दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन टू कम टू द लेवल ऑफ ब्रह्मन, दिस इज द मीनिंग ऑफ कमिंग टू द लेवल ऑफ ब्रह्मन। Alright, आगे बढ़ते हैं जी, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। सो दैट इज निराकार ब्रह्म जो होता है बेसिकली उसका आधार कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अभी हमने ब्रह्म को देखा इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग स्टेबल ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, ठीक है जी, दैट मीन्स द पर्सन बिकम्स एज प्योर एज ब्रह्मन, ही डजंट मर्ज इन टू ब्रह्मन बट ही बिकम्स एज प्योर एज ब्रह्मन, तो ये हमने आज इसके अंदर चर्चा की। ओके, तो हम पहुंच गए आखिरी श्लोक में 14 अध्याय के, जो यहां भगवान ये बड़ी खूबसूरत बात बता रहे हैं। 12th चैप्टर में हुआ था जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये निराकार साकार में कौन सा रास्ता भला
अच्छा, तो भगवान ने उसमें खुल के डंके के चोटे बताया कि भगवान का जो साकार रूप है वो दिव्य है और उनकी भक्ति करना जो है सर्वश्रेष्ठ है और ऐसे लोग भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं। नाउ ही इज नाउ वन मोर कंक्लूजन आ रहा है यहाँ पर भगवद गीता के अंदर चैप्टर 14 वर्स नंबर 27। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम, यानी कि निराकार ब्रह्म का आश्रय मैं हूँ। यस, जो अमृत्य अविनाशी तथा शाश्वत है, ये क्वालिटीज है निराकार ब्रह्म की, ठीक है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। सो दैट मीन्स, तो एक ये स्वाभाविक पद है, दैट मीन्स समबडी कैन रीच दैट पद, इट डज नॉट मीन दैट पर्सन बिकम्स मर्ज्ड इनटू, क्योंकि अगर मर्ज की बात करेंगे तो भगवद्गीता का सेकंड चैप्टर का जो श्लोक है जहां बता रहे हैं कि आत्मा जो अव्यय है, दैट मीन्स वो घुलनशील नहीं है, वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। सो सोल कैन नॉट मर्ज इनटू ब्रह्मन, बट वन कैन रीच द लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंस और दिव्यता। ओके, लेकिन निराकार ब्रह्म की अगर हम बात करें, निराकार ब्रह्म का आश्रय भला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जो निराकारवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, उनका मानना यह है कि जो निराकार ब्रह्म है ये कृष्ण का आश्रय है। सो कृष्ण हैज कम फ्रॉम निराकार ब्रह्म। पर ऐसे लोगों को मूढ़ोयम बताया भगवान श्री कृष्ण ने भगवद्गीता के अंदर, और साथ ही यहाँ ये बता रहे कि बाबा इस बात को समझो, निराकार जो है वो भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है, दैट प्रकाश, दैट इफल्जेंस ऑफ कृष्णस बॉडी, वो निराकार है। नो डाउट वो अविनाशी है, अमृत है, दैट मीन्स इमोर्टैलिटी उसके अंदर शाश्वत है, इटर्नल है, वहाँ से निकलने वाला प्रकाश ऐसा नहीं कभी हुआ कभी नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। सो कृष्ण इज ऑलवेज हैविंग दैट, लेकिन वो भगवान का एक एस्पेक्ट है। ओके, सो वैष्णव में और जो अद्वैतवादी हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों मानते हैं, हम भी मानते हैं निराकार को मानते हैं, यस, वो भी मानते हैं निराकार को, दैट इज कॉमन, वो भी मानते हैं निराकार जो है अमृत है, वो शाश्वत है, वो अविनाशी, हम भी मानते हैं कि जो निराकार है वो अमृत है, शाश्वत है और अविनाशी है, कॉमन। पर भला जो भक्तों में और अद्वैतवादी में जो फर्क जो आता है वो ये आता है कि वो इसको परम मानते हैं, दैट सी दैट दिस इज अल्टीमेट, और दैट ये कृष्ण राम इत्यादि रूप जो हैं ये तो दे आर इन्फीरियर फॉर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। यहाँ पर एक्चुअली दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब हम ये श्लोक अगर देखें, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठो अहम, निराकार ब्रह्म का आधार मैं हूँ, यानी भगवान से जो निकलने वाला प्रकाश है, जैसे कि बल्ब होता है ना, उसकी रोशनी, उस रोशनी का आधार क्या है? बल्ब। बल्ब नहीं होगा तो ये रोशनी कैसे होगी बाबा, राइट? जैसे कि जो हवा है उसका आधार क्या? पंखा। पंखा नहीं चलेगा, ये हवा घूमेगी कैसे, राइट? जैसे कि मेरी जो आवाज़ है इसका आधार मैं हूँ, अगर मैं नहीं होगा तो मेरी आवाज़ कैसे होगी? उस तरह से जो प्रकाश है भगवान का, उसका आधार भगवान श्री कृष्ण खुद है। सो लॉर्ड कृष्णास ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, सच्चिदानंद रूप जो है, ये इन्फीरियर नहीं, ये बल्कि सुपीरियर है, क्योंकि भगवान आश्रय है इसका। पर ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग भगवान को निराकार मानते हैं? अगर आप कभी कुंभ मेला में भी अगर आप जाते हैं, ज़्यादातर लोग निराकार की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, निराकार निराकार की दुकान खूब चल रही है, बढ़िया चल रही है जी, और लोग आ भी रहे हैं, हाँ भाई निराकार निराकार, तो लोग इसलिए भी निराकार को मान लेते हैं, कहते हैं भाई जिनका आकार है उन्होंने बड़ा दुख दिया हमें जी, इस संसार के अंदर जितने भी रूप रंग थे ना, बड़े कष्ट मिले हमें, शुरू शुरू में भले कुछ सुख मिला हो, बाद में तो खून चूस गया वो व्यक्ति हमारा, ओ हो, तो रूप रंग मतलब कष्ट, अच्छा सुख का मतलब क्या होगा? जिसका रूप रंग नहीं है जी। नहीं सर, जो भौतिक रूप रंग वाला है उससे भले ही हमें कष्ट मिला है, लेकिन आध्यात्मिक रूप रंग वाले से आपको रस मिलेगा। तो इसीलिए बजाय कि ये कंक्लूड करने के दैट मटीरियल फॉर्म्स गिव पेन बट स्पिरिचुअल फॉर्म कैन गिव मी प्लेजर, बजाय कि ये कंक्लूड करने के, वो कहते हैं जी रूप से हमें मिला है कष्ट, तो रूप रंग के परे जाओगे, निराकार में जाओगे, तो वहां मिलेगा अमृतत्व एंड देन यू विल बी हैप्पी फॉरएवर। नहीं, एक्चुअली आत्मा में और निराकार ब्रह्म में फर्क है, दोनों अलग अलग तत्व हैं। एक्चुअली वन तत्व कैन नॉट मर्ज इनटू अनदर तत्व। ओके, तो क्या क्या फर्क है भला सोल में और निराकार के अंदर? ठीक है, एक है निराकार ब्रह्म, ठीक है जी, और सोल यानी कि हम लोग, ठीक है जी। कॉमन क्या है? ये भी भगवान की शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति हैं, ये भी निर्गुण है, ये भी निर्गुण है। ओके, प्रकृति तीन गुण के परे है, ये प्रकृति तीन गुण के परे है, तो कॉमन है, इसलिए इसको भी बोला जाता है ब्रह्म, इसको भी बोला जाता है ब्रह्म। ये भी भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण से है भगवान की शक्ति, तो दैट वेज ये तो भाई दोनों में कॉमन हो गया जी, गुड। अच्छा, अब डिफरेंस भला क्या क्या है निराकार ब्रह्म के अंदर और सोल के अंदर? जो निराकार ब्रह्म है इज फॉर्मलेस, ऐसा कोई आकार नहीं, निराकार है जी, तो बिकॉज इट इज फॉर्मलेस रियालिटी, इट्स अ रियालिटी, इट्स अ, बट इट्स अ फॉर्मलेस रियालिटी, बट सोल हैज अ फॉर्म, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। सो सोल का जो है फॉर्म है, एज पर श्रीमद भागवतम 2:10:6 स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, आत्मा क्या करती है? स्वरूप
व्यवस्थिति ही. When the soul becomes liberated, it gets situated in its own spiritual form. स्व रूपेण व्यवस्थिति ही. As per श्रीमद् भागवतम. Right? So, soul does have a form. Of course, जैसे हनुमान जी हैं, he is a devotee of Lord Ram. He has a form. यशोदा मैया, devotee of Lord Krishna, has a form. So, those who are liberated souls, they have a form. पर निराकार ब्रह्म क्या है? Formless. ठीक है. अच्छा, ये क्या चीज है? ये भगवान की effulgence है basically. ये भगवान से निकलने वाला प्रकाश है. ठीक है. जो सोल है ये भगवान की शक्ति है, उसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति या फिर जीव शक्ति एक्चुअली लाइक दैट. तो ये तत्व में क्या है? तत्व में बेसिकली तत्व में वी आर शक्ति ऑफ द लॉर्ड. ये भगवान की इफल्जेंस है, भगवान से निकलने वाला प्रकाश है ये. दैट्स वन मोर डिफरेंस बिटवीन निराकार ब्रह्म एंड सोल. एक और जो डिफरेंस है निराकार ब्रह्म में और सोल के अंदर, दैट दिस इज डिजायरलेस. इस अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती, बट सोल के अंदर इच्छाएं होती हैं. डिजायर्स आर देयर. ऑफ कोर्स डिजायर्स कैन बी डिजायर्स, डिजायर कैन बी मटीरियल और स्पिरिचुअल. अगर मटेरियल डिजायर रखेगी तो संसार में फंस जाएगी सोल, उसको बोलेंगे कंडीशन सोल. पर स्पिरिचुअल डिजायर्स अगर होंगी, दैट लिबरेट्स अ सोल. सोल कैन नॉट बिकम डिजायरलेस. कभी भी इच्छाओं से विहीन आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका ये इनहेरेंट नेचर है ये. यस, सो दैट फेस अगर कोई व्यक्ति सोचे कि यस आई एम टू बिकम डिजायरलेस एंड देन आई विल अटेन निर्वाणा, मुझे निर्वाण प्राप्त करने के लिए मुझे इच्छा विहीन होना है, जब तक इच्छाएं हैं तब तक संसार है, संसार से मुक्ति के लिए मुझे इच्छा विहीन होना है, इच्छा विहीन होना है. एक्सक्यूज मी सर, ये भी एक इच्छा है. दिस इज ऑल्सो अ डिजायर. टू बिकम डिजायरलेस इज ऑल्सो अ डिजायर. हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम दिस डिजायर? सो दैट इज सोल कैन नॉट बिकम फ्री फ्रॉम डिजायर्स. मटीरियल डिजायर से फ्री होना चाहिए, नो डाउट. द एक्सप्लॉयटेटिव डिजायर्स, ऑफ कोर्स वी शुड बी फ्री फ्रॉम. इगोइस्टिक डिजायर्स फ्री फ्रॉम. स्पिरिचुअल डिजायर्स होनी चाहिए. सो सोल का ये इनहेरेंट नेचर है टू हैव डिजायर्स. लेकिन निराकार ब्रह्म क्या होता है? डिजायरलेस. सो दैट मीन्स इन दोनों का तत्व ही अलग अलग है. एंड वन तत्व डज नॉट मर्ज इन टू अनदर तत्व. नहीं, क्योंकि जो अद्वैत सिद्धांत है उसमें द्वैत है ही नहीं, टू है ही नहीं, वन ही है. तो इससे दोनों के तत्व को अलग अलग से जो अद्वैत सिद्धांत है वो नहीं समझ पाता. तो सो दैट मीन्स दिस इज द तत्व ऑफ सोल, जीव तत्व, विच इज दी तटस्थ शक्ति और जीव शक्ति ऑफ द लॉर्ड. पराश शक्तिर विविधये वशुयते. भगवान की कई प्रकार की शक्तियां हैं वास्तव में. निराकार ब्रह्म डजंट हैव एनी शक्ति, क्योंकि शक्ति आएगी तो ये शक्तिमान बन जाएगा, तो ये दो हो जाएंगे. फिर एक शक्ति है और शक्तिमान है, तो ये तो द्वैत, ये तो द्वैत हो गए तो टू हो गए. सो दिस कॉन्ट्रोडिक्ट अद्वैत. तो दैट फेज शक्ति का कॉन्सेप्ट निराकार ब्रह्म में नहीं लगाया जाता, बिकॉज दैट वुड कॉन्ट्रोडिक्ट इट्स वेरी ओन सूत्र, द ओरिजिनल सूत्र. So, इसलिए निराकार ब्रह्म इज फॉर्मलेस, इट्स इफल्जेंस ऑफ कृष्णा एंड इट इज डिजायरलेस. प्रकाश है भगवान श्री कृष्ण का. नो डाउट इनमें कॉमन क्या क्या है? दैट बोथ ऑफ देम आर ट्रांसेंडेंटल. थ्री मोड्स के परे हैं, इनको बोलते हैं निर्गुण. ऑलराइट, एंड दे हैव देयर ओरिजिन इन कृष्णा. इन्हीं से आ रहे हैं दोनों, ये भी और ये भी. तो ये तो कॉमन भी हो गया जी, वेरी गुड. लेकिन कॉमन क्या क्या नहीं है दोनों में, ये है. दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्म. सो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम्. तो निराकार ब्रह्म का आधार भी भगवान श्री कृष्ण ही है. यस, दैट्स ट्रू. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग भगवान को निराकार मानते हैं? ऐसा क्यों है? जैसे कि अगर आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं, अगर मंदिर में जाते हैं और आपने ना दूर से, मतलब कुछ लोग होते हैं एकदम बाहर गेट के बाहर दर्शन करते हैं, बाहर से बस ऐसे से करके निकल जाते हैं, तो वहाँ से अगर कोई अपना कैमरा निकाल लेता है, अगर ठीक है जी, उसने कैमरा लिया और कैमरे से उसने ना ये फोटो ली, तो बाहर से ली उसने फोटो, बाहर खड़े होकर के, तो उसमें क्या आएगा? ओ रोशनी आई है इसके अंदर. तो ओ यानी भगवान क्या है? रोशनी. अगर मान लो कोई पास जाता है, पुजारी से उसकी मिलता है, कहते हैं ये प्रभु जी फोन पे ये भगवान की फोटो खींचेंगे, जरा फोटो जब खींचेंगे तो क्या होगा? भगवान की फोटो आएगी उसके अंदर, राधा कृष्ण कंसी. ओ यस, जो दूर है उसके लिए उसकी फोटो क्या आएगी? रोशनी होगा. भाई भगवान क्या है? रोशनी, निराकार. और जो नज़दीक आ गया है वो देख पाएगा, ओ रोशनी इनसे निकल रही है, हेयर इज अ पर्सन. क्योंकि ज़्यादातर लोग भगवान से दूर हैं, इसलिए भगवान को निराकार मानते हैं.
जो भगवान के नजदीक आते जाते हैं उनको परमात्मा रूप में देख पाते हैं, जो एकदम नजदीक आते हैं वो भगवान के रूप में देख पाते हैं। ओ हियर इज भगवान फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, इन्हीं से परमात्मा आ रहे हैं, इन्हीं से निराकार ब्रह्म आ रहा है, ओ इन्हीं से सब कुछ आ रहा है भाई, ओ वाओ दैट्स वंडरफुल। ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है वास्तव में। तो इसीलिए क्योंकि ज्यादातर अध्यात्मवादी अभी भी दे आर ट्राइंग, ज्ञान के लेवल पे हैं, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, तो इसीलिए अभी वो भगवान को निराकार मानते हैं। बट एक्चुअली जितने हम नजदीक आते जाएंगे मोर यू बिकम डिवोटेड टू गॉड, द गॉड रिवील्स कि भाई निराकार तो मेरा एक एस्पेक्ट है, दिस वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ गॉड लाइक दैट। सो दैट, लेकिन उसका आधार कौन है? भगवान श्री कृष्ण, मैं ही इस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। नो डाउट इसमें क्वालिटीज क्या है, अमरते हैं, अविनाशी है, शाश्वत है, और ये दोनों मानते हैं, वैष्णव भी मानते हैं और अद्वैतवादी मानते हैं। बट वैष्णवाज दे टेक दिस अंडरस्टैंडिंग इवन फर्दर दैट हाउ दिस इज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड श्री कृष्ण लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये चैप्टर 14 वर्स नंबर 27 इज वेरी वेरी वाइटल श्लोक टू रिमूव ऑल कंफ्यूजन अबाउट साकार एंड निराकार, दैट हाउ गॉड इज ट्रांसेंडेंटली साकार। भगवान का दिव्य रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। उनका जो जो इफल्जेंस है that is also it's transcendental, but uske andar kya hai, uske andar uska sat feature hai uske andar. So this can be understood that agar isko three concentric circle leke chale hum log, theek hai ji, ye sabse andar ka ho gaya sat, ye bahar ka ho gaya chit, aur ye ho gaya anand, theek hai ji. So bhagwan feature kya hai, basically ye bahar ka feature hai, isme sat chit anand tino hi hai bhagwan feature ke andar, this is bhagwan feature. ये जो परमात्मा फीचर है इसके अंदर सत भी है चित भी है, ओके, सो दिस इज परमात्मा, और ये सबसे अंदर का है दिस इज ब्रह्म फीचर। तो दैट इसके अंदर से सत फीचर है, निराकार ब्रह्म के अंदर सत है, ओके, और चित भी होता है, हल्का सा होता है, नो डाउट देयर इज सम फीचर ऑफ इट, लेकिन जो परमात्मा फीचर में देयर आर टू फीचर, सचित विद मोर डिटेल्स विद मोर डेप्थ ऑफ दिस क्वालिटीज, लेकिन सच्चित आनंद जो है ये सारी की सारी क्वालिटीज होती हैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर, दैट मीन्स द भगवान फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। सो दैट्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। सो दिस इस तरह से हमने ये श्लोक को आज समझने का प्रयास किया, नो डाउट वी कैन गो इन टू मेनी मोर डिटेल्स ऑफ दिस, बट येस एज अ होल दिस इज अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। सो सोल कैन नॉट मर्ज इन टू निराकार ब्रह्म, ये दोनों तत्व अलग अलग हैं, भगवान से आ रहे हैं, लेकिन ये मर्ज आपस में नहीं होते। सोल कैन नॉट मर्ज इन टू ब्रह्मन, वाई? क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा की एक क्वालिटी है दैट इट इज इनसॉल्युबल और साथ ही अविकारी है, दैट मीन्स इसमें कभी म्यूटेशन नहीं होती, सो दैट इज इम्यूटेबल। तो कभी म्यूटेशन नहीं होगी, सोल बिकम्स ब्रह्मन। म्यूटेशन मतलब कि दही में अगर, जैसे दूध में अगर म्यूटेशन होती है तो दही बन जाता है, सोल कैन नॉट बिकम निराकार ब्रह्म, इट कैन नॉट एक्चुअली। तो म्यूटेशन नहीं होती एज पर भगवद गीता चैप्टर 2nd वर्स नंबर 25, तो वहां पर ही आ रहा है, 23 में आ रहा है दैट इट इज इनसॉल्युबल एंड इम्यूटेबल, ओके। सो सोल कैन नॉट डिसॉल्व इनटू ब्रह्मन, सोल कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू ब्रह्मन, सोल विल ऑलवेज रिमेन सोल, ओके। अभी ये कंडीशन सोल है, भक्ति करेगी तो लिबरेटेड सोल हो जाएगी, बट सोल विल रिमेन सोल लाइक दैट। सो दैट्स द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दैट सोल नेवर मर्जेस इनटू निराकार ब्रह्म, एंड दैट ब्रह्म इज ऑल्सो हैविंग डिपेंडेंसी, जो उनका शेल्टर है दैट इज लॉर्ड श्री कृष्णा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, सो डियर लिसनर्स, फॉर सिस्टमैटिक कोर्स ऑन स्पिरिचुअलिटी यू कैन रजिस्टर। यस, द नेम ऑफ द कोर्स इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न एज, SMA। तो इसके लिए आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, www.revivingvalues.com, और वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। पैसा कितना? एब्सोल्युटली फ्री। और हर एक सेशन के साथ होगा एक Q&A, तो सेशन प्लस Q&A पर वीक आपके लिए होगा। सो सेशन होंगे, उसके बाद देन यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस एंड देन वी वुड आंसर देम, और आप उन सेशंस को बाद में भी सुन सकते हैं अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं हो पाए। दैट्स अंडरस्टूड, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, उसको बाद में भी आप सुन सकते हैं। सो प्लीज गो एंड रजिस्टर फॉर स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न एज, revivingvalues.com, रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। हरे कृष्णा, सो सी यू देयर।